नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके YouTube चैनल जीके टिप्स बाई महेंद्र बुगालिया पर। आज अपन इस सेशन के अंदर जो राजस्थान के पिछले 6 महीने का करंट अफेयर है, यानी अगस्त से लेकर अगस्त 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक के करंट अफेयर को एक साथ लेंगे और उस पर एक साथ अपन अध्ययन करेंगे। इससे बाहर पिछले 6 महीने करंट अफेयर में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आगामी 12 महीने में जो भी एग्जाम होंगे उनके लिए करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर जैसे LDC का पेपर हो गया या CET के अंदर कोई सा भी एग्जाम होता है उसमें भी इंपॉर्टेंट है। EO RO RO का जो पेपर हो गया, तो जो भी राजस्थान में एग्जाम होने वाले हैं उनके अंदर ये करंट अफेयर इंपॉर्टेंट होगा। सारा करंट अफेयर अपन कुछ ही टाइम के अंदर कंप्लीट, जो 6 महीने का करंट अफेयर है उसको अपन पढ़ लेंगे, ठीक है। आगे जो LDC का पेपर है उसके अंदर यही संभावना रहेगी कि पिछले 6 महीने के जो करंट अफेयर है उसमें से क्वेश्चन आ जाएं। मैं एक चीज आपको बता देता हूं, जो ये जीके टिप्स बाय महेंद्र बुगालिया यूट्यूब चैनल है, इसको मेरे कहने पर प्लीज मेरी आपसे आपके फायदे के लिए एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप एक बार इस चैनल को ओपन करें और इसके अंदर क्या क्या कंटेंट पढ़ा है देखें। जब आप इनको ओपन करके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो आप देखोगे कि अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट है, जिसके अंदर राजस्थान हिस्ट्री आर्ट कल्चर हो गई, राजस्थान जियोग्राफी हो गई, राजस्थान पॉलिटी हो गई, जो भी राजस्थान के सब्जेक्ट है प्लस इंडिया के जो भी सब्जेक्ट, जो जनरल मैथ वगैरह हो गई, साइंस वगैरह हो गई, उनकी सबकी प्लेलिस्ट बन रखी है। जब आप प्लेलिस्ट को ओपन करोगे, जैसे राजस्थान हिस्ट्री की आप प्लेलिस्ट ओपन करोगे, तो उसके अंदर देखोगे राजस्थान हिस्ट्री के जो जो टॉपिक्स हैं उन एक एक टॉपिक्स की एक एक क्लास मिलेगी और उस क्लास के अंदर उस टॉपिक को अच्छे से पूरा समझाया हुआ होगा शॉर्ट नोट्स के माध्यम से। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें वो सारी मैं आपको बताता हूं, जिससे आप 15 से 20 मिनट में किसी भी टॉपिक को पढ़ सकते हो शॉर्ट नोट्स के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरीके से, जिसको अपन बोलते हैं गागर में सागर भरना। उस कहानी को चरितार्थ करता है अपना ये यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल पर आप नए हो और आगे आपको ऐसी अपडेट चाहिए तो आप मेरे कहने पर मेरी हेल्प के लिए प्लीज चैनल को लाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे लिए एक अच्छा सा कमेंट करें, बेल वाला आइकन दबा देना, जिससे नए टॉपिक जैसे ही मैं अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी और मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा। ये PDF चाहिए तो आपको ये PDF कहां मिलेगी, ये मिलेगी अपने टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए आज के क्लास को अपन शुरू करते हैं, अगस्त के करंट अफेयर से शुरू करते हैं, उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ऐसे करते हुए जनवरी का करंट अफेयर पढ़ते हैं, यानी 6 महीने का करंट अफेयर एक साथ अपन पढ़ते हैं। अगस्त के करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट क्या था, लखनऊ में आयोजित राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता में हेमांग जयसवाल को स्वर्ण पदक मिला, ठीक है। जो हेमांग जयसवाल है उनको जूडो प्रतियोगिता के अंदर लखनऊ में स्वर्ण पदक मिला था। ये जो CET का पेपर हुआ था, 10+2 का जो CET का पेपर था, उसके अंदर तीसरी पारी में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हेमांग जयसवाल है उनका संबंध किस खेल से है, तो जूडो प्रतियोगिता के खिलाड़ी, यानी जूडो के खिलाड़ी है। तो आपको ध्यान रखना है लखनऊ में आयोजित राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता में हेमांग जयसवाल ने स्वर्ण पदक हासिल किया था और हेमांग जयसवाल का संबंध जूडो खेल से है। कुपोषित बच्चों की पहचान के लिए राजस्थान में किस अभियान को चलाया जा रहा है, तो अम्मा कार्यक्रम। कुपोषित बच्चों की पहचान के लिए राजस्थान में अम्मा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कुपोषित बच्चों की पहचान के लिए राजस्थान में किस अभियान को चलाया जा रहा है, तो अम्मा कार्यक्रम को कुपोषित बच्चों की पहचान के लिए चलाया जा रहा है। इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है। जो इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना है उसके दूसरे चरण की शुरुआत 26 अगस्त 2022 को की गई थी, तो ये अगस्त के करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट है और इसमें 600 करोड़ का फंड रखा गया है। प्रथम चरण आपको पता है 19 दिसंबर 2021 को, यानी पिछले साल से पिछले साल चला था, 19 दिसंबर 2021 को प्रथम चरण चला था, जिसमें 200 करोड़ रुपए का फंड रखा गया था और एक सैनिटरी पेड यूनिट भी बनाया गया था, वो वीरवाड़ा सिरोही के अंदर था। तो ध्यान रखना है सैनिटरी पेड यूनिट कहां पर था, वीरवाड़ा सिरोही के अंदर था। प्रथम चरण 19 दिसंबर 2021 को चला था 200 करोड़ के फंड के साथ, और इसी योजना का इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना, जिसको IM शक्ति बोलते हैं, उसके दूसरे चरण की शुरुआत है वो 26 अगस्त 2022 से की गई और 600 करोड़ रखा गया। अगला क्या है, मणिनी कौशिक का संबंध किस खेल से है, तो निशानेबाजी से संबंध रखती है मणिनी कौशिक। तो ध्यान रखना है मणिनी कौशिक का संबंध है वो निशानेबाजी से, इंपॉर्टेंट प्लेयर है मणिनी कौशिक, ध्यान रखोगे। आगे चलते हैं, आगे क्या है, महिला उद्यमियों में समय, ये है स्वयं लिखा है यहां पर, महिला उद्यमियों व स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री हेतु किसके साथ MOU साइन किया गया। तो आपको ध्यान रखना है अमेजोन के साथ MOU साइन किया गया। अमेजोन आपको पता है एक ऑनलाइन जो क्रय विक्रय करने वाला या जो ई मार्केटिंग का एक ऐप है अमेजोन, आप सब जानते हो, आप शॉपिंग करते हो। तो महिला उद्यमियों या स्वयं सहायता समूह द्वारा कोई भी चीज उत्पादित की जाती है, कोई भी चीज तैयार की जाती है, तो उसको ऑनलाइन बेचने के लिए किसके साथ MOU साइन किया गया, तो अमेजोन के साथ MOU साइन किया गया। राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को प्रथम ईट राइट स्टेशन घोषित किया गया, जो खाने के लिए सही है, ईट राइट स्टेशन किसे घोषित किया गया, तो जयपुर को, राजस्थान के एकमात्र या पहले रेलवे स्टेशन है जयपुर, जिसको ईट राइट स्टेशन घोषित किया गया। भविष्य की उड़ान कार्यक्रम किस जिले में चलाया जा रहा है, तो सवाई माधोपुर के अंदर भविष्य की उड़ान कार्यक्रम चलाया जा रहा है। भविष्य की उड़ान कार्यक्रम किस जिले में चलाया जा रहा है, तो सवाई माधोपुर के अंदर भविष्य की उड़ान कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आपको ये जितने भी कार्यक्रम है, जितने भी फ्लैगशिप योजना है, उनकी सारी की आपको अलग से क्लासेज मेरे इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, तो आप इसको ओपन करके फ्लैगशिप योजना आपको पढ़नी हो तो एक साथ वहां पढ़ सकते हो। राजस्थान सरकार के जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं उनको एक साथ पढ़ना हो तो वहां पढ़ सकते हो। कोई भी अभियान चल रहा है, कोई भी मिशन चल रहा है, तो उनकी सारों की अलग से क्लास बना रखी, जिसके अंदर
सारी चीजें एक जगह आपको मिल जाएगी। विश्व भर में 28वां शांति का पौधा राजस्थान में किस दुर्ग में लगाया जा रहा है, लगाया गया जो मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर, आपको ध्यान रखना है। विश्व भर में जो 28वां शांति का पौधा है वो राजस्थान के मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर लगाया गया। बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना का संबंध किससे है, तो उच्च शिक्षा से है। जो हायर एजुकेशन है उससे बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना का संबंध है, तो ध्यान रखना है बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना का संबंध हायर एजुकेशन से है। राजस्थान के प्रथम मोटर मार्केट का लोकार्पण किस जिले में किया गया, तो कोटा के अंदर राजस्थान का प्रथम मोटर मार्केट का लोकार्पण किया गया। ध्यान रखना है प्रथम मोटर मार्केट का लोकार्पण कहां किया गया, तो कोटा के अंदर किया गया। भारतीय सीनियर वॉलीबॉल टीम में चयन हुआ है तो दुष्यंत जाखड़े झुंझुनू से, जिनका चयन भारतीय सीनियर वॉलीबॉल टीम में हुआ बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, तो ध्यान रखना दुष्यंत जाखड़े झुंझुनू से हैं। आपसे पूछ सकते हैं दुष्यंत जाखड़े वो किस खेल से संबंधित है, वॉलीबॉल से संबंधित है। भारतीय जो सीनियर वॉलीबॉल टीम है उसके अंदर दुष्यंत जाखड़ जी का चयन हुआ था जो झुंझुनू से हैं। आगे चलते हैं, माटी परियोजना का संबंध राजस्थान के किस जिले से है, तो बीकानेर से है। माटी परियोजना का संबंध राजस्थान के बीकानेर जिले से है, ध्यान रखना है माटी परियोजना का संबंध राजस्थान के बीकानेर जिले से है। राजस्थान के किस खिलाड़ी को हाल ही में राजीव गांधी लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो गगन खोड़ा, गगन खोड़ा को राजस्थान के खिलाड़ी है गगन खोड़ा, जिनको हाल ही में राजीव गांधी लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ध्यान रखना है। वृक्ष मानव राष्ट्रीय अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया, तो सुरेंद्र अवाना, सुरेंद्र अवाना को वृक्ष मानव राष्ट्रीय अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया, ध्यान रखना है। वृक्ष मानव राष्ट्रीय अवार्ड 2022 से किसको सम्मानित किया गया, तो सुरेंद्र अवाना को वृक्ष मानव राष्ट्रीय अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। आरटीई के तहत 9 से 12वीं कक्षा तक की बालिकाओं को किस योजना के तहत शिक्षा दी जाएगी, तो इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना, जो इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना है उसके तहत 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक की बालिकाओं को शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। आरटीई के तहत 9 से 12वीं कक्षा तक की बालिकाओं को शिक्षा है वो इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना के तहत दी जाएगी। हिरण का स्मारक बनाए जाने के कारण चर्चा में रहा कांकाणी गांव किस जिले में स्थित है, तो जोधपुर जिले के अंदर कांकाणी गांव, आपको पता है जो सबसे ज्यादा विश्नोई संप्रदाय वो जोधपुर जिले के अंदर रहता है। विश्नोई संप्रदाय हिरणों की रक्षा के लिए जाना जाता है, तो हिरण का स्मारक बनाए जाने के कारण जो कांकाणी गांव अभी चर्चा में चल रहा है वो जोधपुर के अंदर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 29 अगस्त 2022 को राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल की शुरुआत कहां से की गई, तो पाल गांव जोधपुर में शुभंकर शेरू रोका गया, जो सीईटी का तीसरा पेपर था, तीसरी पारी का 10+2 का पेपर था, इसके अंदर यह पूछा गया था कि जो मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत है उन्होंने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल की शुरुआत किस गाँव से की है, तो पाल गाँव जोधपुर से की है। और अब आगे वाले आने वाले एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहेगा कि उनका शुभंकर क्या है, तो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का शुभंकर था शेरू, ठीक है, क्या था शेरू, और शुभारंभ पाल गांव जोधपुर से किया, दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ स्थापित की जाएगी, तो जोधपुर के अंदर राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ स्थापित की जाएगी जोधपुर के अंदर, ध्यान रखना है। हाल ही में राजस्थान के कितने विद्यालयों को स्वस्थ विद्यालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो 26 राजस्थान के 26 विद्यालयों को स्वस्थ विद्यालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राजस्थान के किस जिले में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई, तो राजस्थान के उदयपुर जिले को एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स निर्माण की मंजूरी प्रदान की गई है, ध्यान रखना है। राजस्थान के किस जिले को एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई, तो उदयपुर जिले को एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स निर्माण की मंजूरी प्रदान हुई है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा राज्य के किस साहित्यकार को लोक भूषण सम्मान दिया गया, तो डॉक्टर महेंद्र बानावत, डॉक्टर महेंद्र बानावत को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा राज्य के साहित्यकार हैं जो महेंद्र बानावत उनको लोक भूषण सम्मान दिया गया, तो डॉक्टर महेंद्र बानावत को लोक भूषण सम्मान पुरस्कार दिया गया, ये साहित्यकार है और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा इनको ये पुरस्कार दिया गया। 735 मेगावाट के सोलर पार्क का शिलान्यास नोक जैसलमेर में किसके द्वारा किया गया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 735 मेगावाट के सोलर पार्क का शिलान्यास नोक गाँव जैसलमेर में किया गया। ध्यान रखना है भारतीय वॉलीबॉल टीम में शामिल खिलाड़ी अजीत सेको का संबंध किस खेल से, तो वॉलीबॉल से, इसी क्वेश्चन में इसका आंसर लिखा हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है अजीत सेको का संबंध किस खेल से है, तो वॉलीबॉल से अजीत सेको का संबंध है। आगे चलते हैं, आगे क्या, राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान रीपा के नए महानिदेशक बनाए गए, जो रीपा है राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान जो रीपा है उसके नए महानिदेशक सुधांश पंत को बनाया गया, ध्यान रखना है सुधांश पंत को रीपा के नए महानिदेशक बनाए गए। राजस्थान की प्रथम स्काई ड्राइवर सरोज गढ़वाल का संबंध किस जिले से, तो जयपुर की है सरोज गढ़वाल और इनका संबंध स्काई ड्राइवर से है, ध्यान रखना है। खनिज विभाग से वन विभाग को सौंप दिया गया आदिबद्री वे कनकाचल राजस्थान में किस जिले में स्थित है, तो भरतपुर के अंदर है खनिज विभाग। पहले ये जो आदिबद्री वे कनकाचल था वो खनिज विभाग के अंदर आता था, लेकिन अब इसको जो अगस्त के अंदर वन विभाग को सौंप दिया गया, तो ध्यान रखना है। ये पूछ सकता है आदिबद्री और कनकाचल राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो भरतपुर जिले में स्थित है। राजस्थान के किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय एथलेटिक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो हर्षवर्धन सिंह, जो डूंगरपुर के हर्षवर्धन सिंह है उनको राजस्थान के ये खिलाड़ी हैं हर्षवर्धन सिंह और इनको सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय एथलेटिक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया, राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। देश की प्रथम श्रेणी हाई ट्रेन वंदे भारत का ट्रायल किस मंडल में किया गया, तो कोटा मंडल के अंदर देश की प्रथम श्रेणी की हाई ट्रेन वंदे भारत का ट्रायल किया गया, ध्यान रखना है कोटा मंडल के अंदर। राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत अभावग्रस्त बालिकाओं हेतु
किस योजना के तहत उनको शिक्षा दी जाएगी? तो आपकी बेटी योजना के तहत राजकीय विद्यालयों में एक से लेकर 12वीं मध्यंतर जो अभावग्रस्त बालिकाएं हैं उनको आपकी बेटी योजना के तहत शिक्षा दी जाएगी। आपकी बेटी योजना के तहत शिक्षा दी जाएगी। भारत में ओमान के बीच जो अलनजाह संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो महाजन फील्ड बीकानेर के अंदर। महाजन फील्ड बीकानेर के अंदर भारत व ओमान के बीच अलजहान संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। जितने भी सैन्य अभ्यास अभी हाल फिलहाल के अंदर पिछले 12 महीने में हुए हैं उनकी मैंने एक अलग से क्लास बना के अपने इस यूट्यूब चैनल पर डाल दिया, तो आप वहां जाकर देख लेना। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के तहत स्कूटियों की संख्या 2000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? तो 5000 कर दी गई। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के तहत स्कूटियों की संख्या 2000 से बढ़ाकर 5000 कब की गई थी? तो आपको ध्यान रखना, अगस्त में ये हुई थी। प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो बी एस रावत को प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसे? बी एस रावत को। राजस्थान के किस जिले में वंशावली संरक्षण में संवर्धन अकादमी का कार्य शुरू किया गया? तो जयपुर में जो वंशावली संरक्षण में संवर्धन अकादमी है उसका कार्य शुरू किया गया जयपुर में। राजस्थान का 5वां सिंथेटिक ट्रैक किस जिले में बनाया जा रहा है पर बनाया जाना प्रस्तावित है? तो कोटा के अंदर राजस्थान का 5वां सिंथेटिक ट्रैक है वो बनाया जाना प्रस्तावित है, ध्यान रखना। राजस्थान का प्रथम सेड आर्ट पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो पुष्कर के अंदर। राजस्थान का प्रथम सेड आर्ट पार्क बनाया जाएगा पुष्कर के अंदर। सजग आंगनवाड़ी अभियान की शुरुआत किस जिले में की गई है? तो बीकानेर के अंदर सजग आंगनवाड़ी अभियान की शुरुआत की गई है बीकानेर जिले से। सजग आंगनवाड़ी अभियान की शुरुआत किस जिले से की गई है? तो बीकानेर जिले से सजग आंगनवाड़ी अभियान की शुरुआत की गई है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर राजस्थान के किन शिक्षकों को सम्मानित किया गया? राजस्थान के दो शिक्षक थे जिनको राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के इस अवसर पर सम्मानित किया गया था। एक तो थे सुनीता गुलाटी बीकानेर से, एक दुर्गाराम मुवाल थे जो उदयपुर से थे। ठीक है, सुनीता गुलाटी बीकानेर और दुर्गाराम मुवाल उदयपुर, इंपोर्टेंट है, दोनों को ध्यान रखना। राजस्थान के प्रथम मोटर मार्केट का लोकार्पण कोटा के अंदर किया जा रहा है, वो आपको मैंने बता दिया है। समाई माता मंदिर को इको टूरिज्म बनाने की घोषणा की गई है, कहाँ स्थित है? तो बांसवाड़ा के अंदर स्थित है, ध्यान रखना। समाई माता का मंदिर कहाँ पर है? बांसवाड़ा में स्थित है, इसको इको टूरिज्म बनाने की घोषणा की गई है। एंटी ड्रोन ऑपरेशन के तहत नोडल सेंटर बनाया जाएगा बीकानेर के अंदर। एंटी ड्रोन ऑपरेशन के तहत नोडल सेंटर बनाया जाएगा बीकानेर के अंदर, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। एंटी ड्रोन ऑपरेशन के तहत नोडल सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? बीकानेर में बनाया जाएगा। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो दुलाराम सहारण को। दुलाराम सहारण को राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर अध्यक्ष बनाया गया है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। जो राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर उनका अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो दुलाराम सहारण को बनाया गया है। राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो लक्ष्मण व्यास को राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर का अध्यक्ष बनाया गया। वर्तमान में जितने भी अकादमी है उनके अध्यक्ष कौन है उनकी मैं क्लास आपको जल्दी अपने इस यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। आगे चलते हैं, आगे क्या है? राजस्थान के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने? तो मधुकर गुप्ता राजस्थान के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं। राजस्थान के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने हैं? तो मधुकर गुप्ता राजस्थान के नए मुख्य निर्वाचित आयुक्त बने हैं। हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय के लिए नए कुलपति किसे नियुक्त किया गया? तो प्रोफेसर सुधीर राजीव को हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के नए कुलपति बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री राजस्थान महिला निधि का लोकार्पण किया गया 26 अगस्त 2022 को। मुख्यमंत्री राजस्थान महिला निधि का लोकार्पण किया गया 26 अगस्त 2022 को। 29वें माथुरदास मथुर अवार्ड क्रिकेट हेतु सीनियर वर्ग के लिए दिया गया है। अनिकेत चौधरी जो सीनियर वर्ग वे अनिरुद्ध सिंह जो जूनियर वर्ग से, इन दोनों को 29वें माथुरदास मथुर अवार्ड क्रिकेट हेतु दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखना है। 29 से 20 अगस्त 2022 को राजस्थान डीजी फेस्ट का आयोजन किया गया। तो जयपुर के अंदर 19 से 20 अगस्त 2022 को राजस्थान डीजी फेस्ट का आयोजन किया गया जयपुर के अंदर, ध्यान रखना है। राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो आशीष पुरोहित जो ओनाणा है, जिसको ओनाण बोलते हैं, इनकी एक कृति ओनाण के लिए राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 दिया गया आशीष पुरोहित को। किसको दिया गया? आशीष पुरोहित को। बाल साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया? तो विश्वामित्र दादीज को बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है। बाल साहित्य पुरस्कार किसको दिया गया? तो विश्वामित्र दादीज को दिया गया है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 में शामिल खेल कौन कौन से? आपको ध्यान रखने हैं, 6 खेल है, कबड्डी, टेनिस बॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, खो खो, शूटिंग बॉल और हॉकी। ये 6 खेल है जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 के अंदर शामिल किए गए हैं, ध्यान रखना है। राजस्थान क्रीडा परिषद की अध्यक्ष कौन बनी है? तो श्रीमती कृष्णा पूनिया को राजस्थान क्रीडा परिषद की अध्यक्ष बनाया गया है। राजस्थान क्रीडा परिषद के अध्यक्ष किसको बनाया गया? श्रीमती कृष्णा पूनिया जो जयपुर ग्रामीण से आते हैं। वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण राजनाथ सिंह द्वारा कहां पर किया गया? तो सालवा कला जोधपुर के अंदर। सालवा कला जोधपुर के अंदर वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण राजनाथ सिंह द्वारा किया गया है, ध्यान रखना है। बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रेवल अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो कुंभलगढ़ वे चित्तौड़गढ़ दुर्ग को बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। दोनों ही ध्यान रखना, कुंभलगढ़ वे चित्तौड़गढ़ दुर्ग, दोनों ही दुर्ग इंपॉर्टेंट है, कुंभलगढ़ वे चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ठीक है, कथक नृत्यांगना तनिष्का श्रीवास्तव का संबंध किस जिले से है? तो जयपुर जिले से है कथक नृत्यांगना तनिष्का श्रीवास्तव का। आपसे पूछ सकते हैं, तनिष्का जो श्रीवास्तव है वो
किसकी कलाकार है तो आपको ध्यान रखना है, कथक नृत्यांगना है, तनिष्का श्रीवास्तव और जयपुर से संबंध रखती है। टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान चलाया गया 15 अगस्त से 24 अप्रैल 2023 के बीच। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है क्योंकि अप्रैल 2023 तक चलेगा, तो ध्यान रखना है 15 अगस्त से लेकर 24 अप्रैल 2023 तक टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान चलाया जाएगा। टीबी मुक्त लक्ष्य 2025 तक रखा गया, राजस्थान को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है, और जो टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान है वो 15 अगस्त से लेकर 24 अप्रैल 2023 तक चलाया जाएगा। इसके आगे अपन चलते हैं अब सितंबर के करंट अफेयर पे। सितंबर का करंट अफेयर क्या है, ये तो था अगस्त का कंप्लीट करंट अफेयर, अब चलते हैं सितंबर का करंट अफेयर पे। राजस्थान को करंट अफेयर है सितंबर का, उस पर अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको अपन मनरेगा बोलते हैं, उसके अंतर्गत राजस्थान में नियोजित मेट की प्रतिदिन मजदूरी 5 रुपए से बढ़ाई गई, 5 रुपए बढ़ाई गई। पहले मजदूरी 235 रुपए थी, जिसको बढ़ाकर अब 240 रुपए कर दिया गया है, ठीक है। ध्यान रखना है महात्मा गांधी जो मनरेगा योजना चल रही है उसके अंदर जो मेट की प्रतिदिन मजदूरी है उसको 5 रुपए बढ़ा दिया गया है और 235 से बढ़ाकर 240 कर दिया गया है। ये सितंबर के करंट अफेयर में एक मुख्य मुख्य बिंदु था। आगे चलते हैं, 1 सितंबर 2022 से राजस्थान में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ई व्हीकल पॉलिसी को लागू किया गया। 1 सितंबर 2022 से राजस्थान के अंदर ई व्हीकल पॉलिसी को लागू किया गया है। इस ई व्हीकल पॉलिसी के अनुसार एसजीएसटी को 100% पुनर्भुगतान किया जाएगा। इस ई व्हीकल पॉलिसी के अनुसार जो एसजीएसटी है उसका 100% तक पुनर्भुगतान किया जाएगा। इस ई व्हीकल पॉलिसी में ई व्हीकल पर अनुदान देने की व्यवस्था भी की गई है, कुछ छूटें भी ई व्हीकल पर आपको मिलेगी। एसजीएसटी में तो आपको 100% छूट मिल जाएगी, यानी पुनर् वापस मिल जाएगी 100% एसजीएसटी, लेकिन व्हीकल पर भी कुछ अनुदान दिए जाने की व्यवस्था रखी गई है। इस ई व्हीकल पॉलिसी के अनुसार पहली 500 इलेक्ट्रॉनिक बसों पर 1 लाख से 5 लाख तक का अनुदान यानी छूट दी जाएगी, तथा पहली 200 बसों पर रेट्रोफिटमेंट उपकरण की कीमत का 15% या 2.5 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। तो यह अनुदान भी इसमें दिया जाएगा। चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए राज्य सरकार से किसी भी प्रकार के लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि जब अपन ये डीजल पेट्रोल वाली गाड़ियां, तो इसके अंदर तो आपको पता है पेट्रोल पंप होते, वैसे ही चार्जिंग वाली गाड़ियों के लिए ई व्हीकल के लिए चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने होंगे, तो राज्य सरकार किसी भी प्रकार के लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होगी अगर आप चार्जिंग पॉइंट लगाना चाहते हैं। प्रथम 100 चार्जिंग स्टेशनों की बिजली आपूर्ति ढांचा विकसित करने के लिए 5 लाख रुपए तक का अनुदान भी दिया जाएगा, तथा चार्जिंग के लिए विद्युत दर 6 रुपए प्रति यूनिट होगी। तो ये भी चार्जिंग स्टेशनों वालों के लिए छूट दी गई है, मतलब कुल मिला के ई व्हीकल को प्रमोट किया जा रहा है। हाल ही में राजस्थान में उद्योगों के निर्यात संबंधी विषयों की मॉनिटरिंग व उनसे संबंधित परेशानियों को दूर करने के लिए गठित राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिलिंग का पहला चेयरमैन निर्विरोध रूप से राजीव अरोड़ा को बनाया गया है, जो राजसिको के चेयरमैन भी हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है जो राजस्थान में उद्योगों के निर्यात से संबंधित विषयों की मॉनिटरिंग और उससे संबंधित परेशानियों को दूर करने के लिए जो राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिलिंग बनाया गया, उनका पहला जो चेयरमैन है निर्विरोध रूप से राजीव अरोड़ा जी को बनाया गया है, जो राजसिको के चेयरमैन भी हैं, ठीक है। ध्यान रखना है महावीर प्रसाद शर्मा को राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिलिंग का वाइस चेयरमैन, तो वाइस चेयरमैन तो बनाया गया है महावीर प्रसाद शर्मा को, और चेयरमैन बनाया गया है राजीव अरोड़ा को, जो राजसिको के चेयरमैन भी हैं। मिशन बुनियाद का शुभारंभ सितंबर के अंदर मिशन बुनियाद का शुभारंभ किया गया है। मिशन बुनियाद एक डिजिटल लर्निंग कार्यक्रम है, जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी के समझने की क्षमता के आधार पर उसे व्यक्तिगत पढ़ने की सामग्री सॉफ्टवेयर द्वारा प्रदान की जाएगी, जिससे बच्चे स्वयं अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। अभी सीटी का जो 10+2 का पेपर हुआ था, तो उसके अंदर पूछा था मिशन बुनियाद है वो किससे संबंधित है, तो आपको बताना है डिजिटल लर्निंग से संबंधित है, ठीक है। मिशन बुनियाद का शुभारंभ शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला के द्वारा शिक्षा संकुल में 5 सितंबर 2022 को किया गया था। सितंबर का करंट अफेयर अपन पढ़ रहे हैं। अब इसके माध्यम से प्रदेश के लगभग 20 लाख विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता वाली डिजिटल शिक्षा प्राप्त हो सकती है। अब इसके माध्यम से प्रदेश के लगभग 20 लाख विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता की डिजिटल शिक्षा प्राप्त हो सकती है। यह कार्यक्रम भारत का सबसे बड़ा पर्सनलाइज्ड एडेप्टिंग लर्निंग, जिसको पीएएल कार्यक्रम बोलते हैं, तो भारत का सबसे बड़ा पीएएल कार्यक्रम भी ये है, ठीक है। इसके आगे चलते हैं, इसके आगे क्या है, इसके आगे हैं राजस्थान के 2 शिक्षकों को, मैंने ये जब अगस्त का आपको करंट अफेयर पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि दिया जाएगा। अब इनको सितंबर के अंदर ये दिया भी गया कि राजस्थान के 2 शिक्षक हैं जिनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित कर दिया गया है। सितंबर के अंदर एक तो दुर्गाराम मुवाल है और दूसरा सुनीता गुलाटी है। राष्ट्रपति द्वारा शिक्षकों को सम्मान स्वरूप प्रत्येक को रजत पदक और 50,000 रुपये की पुरस्कार राशि का चेक और प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। इस पुरस्कार के तहत जो प्रत्येक टीचर था, ये दोनों टीचर थे, उनको एक तो रजत पदक दिया गया, 50,000 रुपये की पुरस्कार राशि का चेक दिया गया और एक प्रमाण पत्र दिया गया। ध्यान रखना है दुर्गाराम मुवाल और सुनीता गुलाटी। मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा चिकित्सा विभाग की समीक्षा बैठक में 6 सितंबर 2022 को किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पता है चिरंजीवी योजना से तो बार बार सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना से भी सवाल पूछा जा सकता है। उसका शुभारंभ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा चिकित्सा विभाग की समीक्षा बैठक में 6 सितंबर 2022 को किया गया। योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायल देश के किसी भी राज्य का निवासी बिना किसी FIR अथवा औपचारिकता के इस योजना में संबंध निजी व सरकारी अस्पतालों में 72 घंटे तक निःशुल्क उपचार प्राप्त कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है, वो चाहे किसी भी राज्य का हो, बिना FIR किए, बिना किसी औपचारिकता के उसको
प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल के अंदर 72 घंटे तक निःशुल्क उपचार किया जाएगा इस योजना के तहत। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए चिरंजीवी योजना का पात्र होना आवश्यक नहीं है, ये इसकी मुख्य शर्त है, ध्यान रखना। राजस्थान का हेल्थ केयर मॉडल क्या है, जब अपन ये पढ़ रहे हैं तो हेल्थ केयर मॉडल भी आपको पढ़ लेना चाहिए। राजस्थान में बजट का 7% चिकित्सा व स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च किया जा रहा है। राजस्थान में 88% परिवार स्वास्थ्य बीमा के दायरे में आते हैं, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर औसत 41% है। राष्ट्रीय स्तर पर है जो परिवार स्वास्थ्य बीमा के दायरे के अंदर 41% लोग आते हैं, लेकिन राजस्थान के 88% लोग हैं जो स्वास्थ्य बीमा के दायरे में आता है, ये चिरंजीवी योजना के तहत हो रखा है, तो आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट डाटा है। चिरंजीवी योजना में अब तक 21.4 लाख मरीज 2,111.41 करोड़ रुपए के निःशुल्क उपचार से लाभान्वित हुए हैं। चिरंजीवी योजना से जुड़े अस्पतालों को 21 दिन के अंदर भुगतान कर दिया जाता है, यानी अगर आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराते हो, वो चिरंजीवी से अफेक्टेड है, आप चिरंजीवी कार्ड से वहां पर उपचार करवाते हो, तो उपचार होने के 21 दिन बाद हॉस्पिटल वालों को चिरंजीवी योजना के तहत पैसे मिल जाते हैं। ई गवर्नेंस के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, जिसको डीबीटी बोलते हैं, उसमें राजस्थान पूरे देश में चौथे स्थान पर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ई गवर्नेंस के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, जिसको अपन डीबीटी बोलते हैं, उसके तहत राजस्थान पूरे देश में चौथे स्थान पर रहा है। देश भर में सबसे पहले राजस्थान के शहरों में निवास करने वाले लोगों को रोजगार देने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा खानिया की बावड़ी जयपुर से 9 सितंबर 2022 को किया गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना है, जो शहरों में लोग निवास करते हैं उनके लिए रोजगार देने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ किया गया। जैसे मनरेगा चल रही है गांव में, वैसे ही शहरों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ की गई है, जिसका शुभारंभ है वो बावड़ी गांव जयपुर से, खानिया की बावड़ी जयपुर से 9 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री जी ने किया था। तो खानिया की बावड़ी क्या है उसके बारे में पढ़ सकते हैं, क्योंकि सूजस के अंदर आया था तो ये पूछ सकते हैं। खानिया की बावड़ी 18वीं शताब्दी में निर्मित ऐतिहासिक बावड़ी है, जो जयपुर में आगरा रोड पर स्थित है। जयपुर में आगरा रोड है, वहां पर ये खानिया की बावड़ी स्थित है, ध्यान रखना है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में 213 शहरी निकाय क्षेत्रों में निवास करने वाले जरूरतमंद बेरोजगार परिवारों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। शहरी निकायों में केवल ये योजना चल रही है। यह इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाली महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको अपन मनरेगा बोल रहे हैं, उसी के तर्ज पर यह चलाई जा रही है। इस योजना में मजदूरी का प्रावधान कुछ इस प्रकार किया गया है, जो अकुशल श्रमिक है उनके लिए 259 रुपये प्रतिदिन मिलेंगे, मेट को 271 रुपये प्रतिदिन मिलेंगे और कुशल श्रमिकों को 283 रुपये प्रतिदिन मिलेंगे। ये ध्यान रखने की कोशिश करना, आप याद रखने की कोशिश करना। राजस्थान के मोहनलाल और आसाराम को शिल्प गुरु अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राजस्थान के मोहनलाल और आसाराम को शिल्प गुरु अवार्ड दिया गया है। जितने भी अवार्ड मिले उनकी एक अलग से मैं क्लास आपको दे दूंगा। राजस्थान सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने वर्ष 2019 के लिए शिल्प गुरु अवार्ड और नेशनल अवार्डीज की घोषणा की है। इसके अंदर शिल्प गुरु अवार्ड जयपुर में तारकसी आर्टिस्ट मोहनलाल शर्मा, यानी जो जांगीड़ है वैसे तो उनको, और मिनिएचर पेंटिंग में आसाराम मेघवाल को दिया है। तो आपको ध्यान रखना है, जो आसाराम का संबंध तो मिनिएचर पेंटिंग से है, मोहनलाल शर्मा का संबंध तारकसी से है, इन दोनों को शिल्प गुरु अवार्ड दिया गया है। डिजाइन इनोवेशन अवार्ड डिजाइनर नेहा भाटिया और धर्मेंद्र सिंह बल्ला को मिलेगा, ठीक है, ये मिलना प्रस्तावित था। आगे जब अपन अक्टूबर नवंबर का पढ़ेंगे तो उसके अंदर मैं बता दूंगा कि इनको मिल गया है। डिजाइन इनोवेशन अवार्ड डिजाइनर नेहा भाटिया और धर्मेंद्र सिंह बल्ला को मिलेगा। रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व के बफर एरिया में सफारी की शुरुआत होगी। वाइल्ड लाइफ ने बफर एरिया में 1212 किलोमीटर लंबे 2 ट्रैक प्रस्तावित किए, तो आपको ध्यान रखना है, रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व में बफर एरिया की सफारी की शुरुआत होगी। राजस्थान में 51वीं राष्ट्रीय सीनियर पुरुष हैंडबॉल चैंपियन में स्वर्ण पदक प्राप्त कर इतिहास रचा है। जो 51वीं राष्ट्रीय सीनियर पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप हुई थी उसके अंदर स्वर्ण पदक राजस्थान ने जीता है। राजस्थान की टीम ने सर्विसेज को 37-34 के अंतर से हराया है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप ध्यान रखना कि 51वीं राष्ट्रीय सीनियर पुरुष हैंडबॉल प्रति जो चैंपियनशिप हुई थी उसमें स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो वो राजस्थान की टीम ने जीता है। हाल ही में विद्युत वितरण कंपनियों ने राज्य रूपटॉप सोलर से घरेलू उपभोक्ताओं को मिल रही बिजली की दर 3.14 रुपये से कम करके 2 रुपये कर दिए। ध्यान रखना है, जो अभी विद्युत वितरण कंपनी है उसने राज्य में रूपटॉप सोलर से घरेलू उपभोक्ताओं को जो बिजली मिल रही है उसकी दर को 3.14 रुपये प्रति यूनिट से कम करके 2 रुपये प्रति यूनिट कर दिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। हाल ही में जारी वैश्विक रैंकिंग में IIM उदयपुर ने 2 वर्षीय MBA प्रोग्राम के लिए प्रतिष्ठित FT मास्टर्स इन मैनेजमेंट 2022 की वैश्विक रैंकिंग में 81वीं रैंक हासिल की, जो एक इंपॉर्टेंट डाटा है, ध्यान रखना, इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आप सीरियसली पढ़ रहे हो वो डाटा, ठीक है। राजस्थान में ई मित्र के माध्यम से बुजुर्गों, दिव्यांगों में एकल महिलाओं के लिए CM आश्रित सेवा योजना शुरू होगी। घर बैठे ई मित्र की फ्री सेवाएं मिलेगी इसके अंदर। राजस्थान में ई मित्र के माध्यम से जो बुजुर्ग है, दिव्यांग है या जो विधवा है उनके लिए CM आश्रित सेवा योजना शुरू होगी, जिसमें घर बैठे ई मित्र की फ्री सेवाएं उनको मिलेगी। राज्य स्तरीय हिंदी दिवस समारोह जो SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर में मनाया गया था, डॉक्टर गुंजन गर्ग गोपाल काबरा को हिंदी सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है कि राज्य स्तरीय हिंदी दिवस समारोह जो SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर के अंदर मनाया गया, वहां पर डॉक्टर गुंजन गर्ग व गोपाल काबरा को हिंदी सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोनों का नाम ध्यान रखोगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने धौलपुर भरतपुर चंबल परियोजना की घोषणा
घोषणा की है। सितंबर के अंदर मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत ने धौलपुर भरतपुर चंबल परियोजना की घोषणा की है। राजस्थान के पूर्व डीजीपी जो महापुलिस महानिदेशक थे विजय कृष्ण थानवी, उनका निधन हुआ है। तो ध्यान रखना, आपसे पूछ सकते हैं विजय कृष्ण थानवी किस क्षेत्र से थे, तो ये एक सिविल सेवक थे, ध्यान रखना है। राजस्थान के पूर्व डीजीपी थे। राजस्थान के पहली हस्तशिल्प नीति और राजस्थान एमएसएमई नीति 2022 को राजस्थान की उद्योग एवं वाणिज्यिक मंत्री शकुंतला रावत ने 17 सितंबर 2022 को जारी किया। इसमें न केवल प्रदेश में औद्योगिक विकास होगा बल्कि शिल्पकार, दस्तकार और कारीगरी के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। पहली हस्तशिल्प नीति और राजस्थान की एमएसएमई नीति 2022 है, वो राजस्थान के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत ने 17 सितंबर 2022 को जारी किया है। इसके अंदर जो प्रदेश के अंदर औद्योगिक विकास होगा और शिल्पकार, दस्तकार और जो कारीगर है उनको रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। पैरा एथलेटिक्स, देवेंद्र झांझड़िया ने मोरक्को में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांपी में रजत पदक जीता है। तो इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर देवेंद्र जी झांझड़िया वो वापस ट्रेंडिंग में आए हैं, तो ध्यान रखना है। ये पैरा एथलेटिक्स खिलाड़ी हैं देवेंद्र झांझड़िया, और उनको मोरक्को में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांपी में रजत पदक जीता है। राजस्थान सरकार ने एमएसएमई दिवस पर जयपुर की लुणावत जेम्स को एक्सपोर्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, राजस्थान सरकार ने एमएसएमई दिवस पर जयपुर की जो लुणावत जेम्स है उसको एक्सपोर्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार है वो बाबूलाल मारोटिया को दिया गया, जो जयपुर से संबंध रखते हैं। तो राजस्थान में हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार किसको दिया गया? बाबूलाल मारोटिया को दिया गया, जो जयपुर से संबंधित है। राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार है वो गंगा सिंह गौतम को दिया गया, जो दौसा से संबंधित है। राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार है गंगा सिंह गौतम को दिया गया, जो दौसा से संबंधित है। जोधपुर में क्रिकेट अकादमी स्थापित करने की घोषणा की गई है। जोधपुर के अंदर क्रिकेट अकादमी स्थापित करने की घोषणा की गई है। सीनियर स्टेट क्रिकेट चैंपियनशिप जिसको कोलविन शील्ड बोलते हैं जयपुर ने जीती है, और फाइनल मैच में कोटा को हराया है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पीएम श्री योजना के अनुसार विद्यालयों के विकास और उन्नति के लिए राजस्थान में 716 स्कूलों को चिन्हित किया गया, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है। पीएम श्री योजना के तहत राजस्थान की कितनी स्कूलों को सेलेक्ट किया गया? तो 716 स्कूलों को सेलेक्ट किया गया है। आदि महोत्सव 2022 कोटड़ा के अंदर इसका शुभारंभ किया गया राजस्थान के उदयपुर जिले में 27 सितंबर 2022 को। 27 सितंबर को अपन विश्व पर्यटन दिवस मनाते हैं, इसी दिन आदि महोत्सव का कोटड़ा उदयपुर के अंदर शुभारंभ किया गया। राजस्थान सरकार ने 2 अक्टूबर 2022 को महात्मा गांधी जयंती को सूखा दिवस घोषित किया गया, ड्राई डे घोषित किया गया। आप सब जानते हो ड्राई डे कब होता है? 2 अक्टूबर को होता है। तो इसी साल 2 अक्टूबर 2022 को महात्मा गांधी जयंती को सूखा दिवस घोषित किया गया। राजस्थान विधानसभा डॉक्टर अध्यक्ष जो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष है डॉक्टर सीपी जोशी, उनको भारतीय छात्र संसद द्वारा पुणे में 16 सितंबर 2022 को आयोजित होने वाले आदर्श विधानसभा अध्यक्ष का विशेष सम्मान दिया गया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। आपसे पूछ सकते हैं आदर्श विधानसभा अध्यक्ष हैं उनका सम्मान किनको मिल चुका है? तो डॉक्टर सीपी जोशी को मिला है। भारतीय छात्रों ने जो संसद द्वारा जो भारतीय छात्रों ने एक संसद लगाई थी पुणे के अंदर 16 सितंबर 2022 को, तो उसके अंदर इनको ये आदर्श विधानसभा अध्यक्ष का विशेष सम्मान है वो दिया गया है। उल्लेखनीय है कि 12वीं भारतीय छात्र संसद का आयोजन पुणे में राजकीय एमआईटी स्कूल और एमआईटी वर्ल्ड पीएस यूनिवर्सिटी में कोर्स रूट द्वारा 15 से 17 सितंबर 2022 को आयोजित किया गया है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखना। आप सीपी जोशी को जो अवार्ड मिला है वो इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट लेखन के लिए डॉक्टर गुंजन गर्ग व डॉक्टर गोपाल काबरा को हिंदी सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वो मैंने आपको बता दिया है। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में आम लोगों, स्कूलों तथा बच्चों के अधिकारों से जुड़े प्राधिकारियों को जागरूक के क्रम में बाल संरक्षण संकल्प यात्रा का पांचवा चरण 5 सितंबर 2022 को भीलवाड़ा जिले से प्रारंभ किया गया। इसके आगे क्या है, दौसा के बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र में स्थित विश्व प्रसिद्ध आबानेरी की चांद बावड़ी आबानेरी फेस्टिवल 2022 का आयोजन राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा 17 से 28 सितंबर 2022 को किया गया। दौसा के बांदीकुई में जो चांद आबानेरी की चांद बावड़ी है वहां पर आबानेरी फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया गया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, 27 से 28 सितंबर 2022 को। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली द्वारा राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड जिसको अनुजा निगम बोलते हैं उसके पोर्टल का शुभारंभ 22 सितंबर 2022 को किया गया। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना है। शिल्प एंड माटी कला बोर्ड के मनोनीत अध्यक्ष डूंगरराम गेदर ने बोर्ड के अध्यक्ष का पदभार 19 सितंबर 2022 को ग्रहण किया। तो शिल्प एवं माटी कला बोर्ड के मनोनीत अध्यक्ष डूंगरराम गेदर ने बोर्ड के अध्यक्ष का पदभार 19 सितंबर 2022 को ग्रहण किया है। कुपोषण मुक्त राजस्थान के लक्ष्य की पूर्ति के लिए प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रदेश भर में राष्ट्रीय पोषण माह 1 से 30 सितंबर 2022 तक मनाया गया। कुपोषण मुक्त राजस्थान के लक्ष्य की पूर्ति के लिए प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी रिटेक करना है। कितने मिनट पर? 28 मतलब 29 मिनट के लगभग। कुपोषण मुक्त राजस्थान के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रदेश भर में राष्ट्रीय पोषण माह है वो 1 से 30 सितंबर 2022 तक
मनाया गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, आगे क्या है, आम लोगों में प्रदेश में निवेश आकर्षित करने वाली विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा 25 सितंबर 2022 तक इन्वेस्टमेंट राजस्थान क्विज का आयोजन किया गया, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। प्रदेश में वी वॉक का द्वितीय चरण है वो 10 सितंबर 2022 से शुरू किया गया, इसमें प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में 50 से अधिक बुनकरों ने हिस्सा लिया है, तो आपको ध्यान रखना है, वी वॉक के बारे में पूछ सकते हैं। इसके आगे चलते हैं अपन अक्टूबर के करंट अफेयर पे, इसके आगे है अक्टूबर का करंट अफेयर, इसके बाद नवंबर का पढ़ेंगे, दिसंबर का पढ़ेंगे, जनवरी का पढ़ते हुए अपन इस क्लास को ओवर कर देंगे। बहुत ही कम टाइम के अंदर आपको पिछले 6 महीने का करंट अफेयर बता दूंगा, इसमें से सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, बस आप इसको पढ़ लेना। अक्टूबर के करंट अफेयर में क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यान प्रोत्साहन योजना जो 8 सितंबर है, 8 सितंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना की अधिसूचना जारी की गई थी, तो 8 सितंबर 2022 को इसकी अधिसूचना जारी कर इस योजना के अंतर्गत होता क्या है, राज्य सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने प्रदेश के औद्योगिक विकास में अनुसूचित जाति तथा जनजाति वर्गों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना चल रही है उसकी 8 सितंबर 2022 को अधिसूचना जारी की गई थी, और इसके अंदर क्या क्या जाएगा, तो इसके अंदर यह किया जाएगा जो भी SC ST से शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से जो भी संबंधित है और वो रोजगार करना चाहते हैं तो उनको रोजगार के अंदर सरकार सहयोग देगी, ठीक है। इस योजना के तहत पात्र उद्यमियों को 25 लाख रुपए तक के ऋण पर 9% ब्याज अनुदान तथा 5 करोड़ तक के ऋण पर 7% का ब्याज अनुदान दिया जाएगा। इसके अंदर जो भी पात्र उद्यमी होंगे उनको अगर 25 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो उनको 9% उसके ब्याज पर छूट मिलेगी, और 5 करोड़ रुपए लेते हैं तो 7% ब्याज पर छूट मिलेगी। चलिए इसके आगे क्या है, अक्टूबर के करंट अफेयर में देखते हैं, राजस्थान में शुरू हुआ विश्व का सबसे बड़ा विंड सोलर प्लांट, राजस्थान के अंदर अक्टूबर के अंदर विश्व का सबसे बड़ा विंड सोलर प्लांट स्थापित हुआ था, शुरू हुआ था, किस किस के मध्य क्या क्या हुआ उसके बारे में नीचे डिटेल में लिखा हुआ है। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा राजस्थान के जैसलमेर जिले में 600 मेगावाट की क्षमता वाले विंड सोलर प्लांट को चालू किया गया, ये विश्व का सबसे बड़ा विंड सोलर प्लांट है, तो आपको ध्यान रखना है, एक तो ये अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के समूह के सहयोग से हुआ है, दूसरा जैसलमेर के अंदर हुआ है, 600 मेगावाट इसकी क्षमता है। आगे क्या है, राजीव गांधी जल संचय योजना के द्वितीय चरण को प्रारंभ करने की घोषणा, अक्टूबर के अंदर जो राजीव गांधी जल संचय योजना चल रही है उसके द्वितीय चरण को प्रारंभ करने की घोषणा की है, इसके लिए 2 समितियों का गठन किया है, इस योजना के द्वितीय चरण को चलाने के लिए 2 समितियों का गठन किया है, जिसके अंदर एक राज्य स्तरीय समिति होगी जिनके अध्यक्ष जो मुख्य सचिव होंगे वो होंगे, और दूसरा जिला स्तरीय समिति होगी जिसके अध्यक्ष जिला कलेक्टर के रहेंगे, ठीक है। तो जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष तो जिला कलेक्टर रहेंगे, राज्य स्तरीय समिति के जो अध्यक्ष है वो मुख्य सचिव रहेंगे। समितियों के लिए नोडल विभाग है उसकी घोषणा की गई, तो जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण जो विभाग है वो इन समितियों के नोडल विभाग होंगे, और जो इन समितियों के प्रशासनिक विभाग होंगे वो होंगे ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग। द्वितीय चरण की जो कार्य अवधि होगी 2 वर्ष की होगी, द्वितीय चरण की कार्य अवधि 2 वर्ष की होगी, तो इसकी डिटेल जो था मैंने आपको बता दिया है। इसके आगे एक अक्टूबर 2022 के अंदर सबसे बड़ी घटना हुई थी, जो 8 विश्वविद्यालय उनके कुलपति नियुक्त किए गए थे, तो आपको पता है जो विश्वविद्यालय होते हैं उनके कुलपति कौन नियुक्त करता है, तो उनके कुलपति राज्यपाल नियुक्त करता है, और वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल जो कलराज मिश्र है उन्होंने 8 विश्वविद्यालयों के कुलपति नियुक्त किए थे। किस विद्यालय के विश्वविद्यालय के कुलपति किन्हें बनाया गया, मैं आपको आटो के आटो बता देता हूँ, याद रखने की कोशिश करना। डॉक्टर अभय कुमार व्यास है जिनको कृषि विश्वविद्यालय कोटा का कुलपति बनाया गया है, डॉक्टर अभय कुमार व्यास को कृषि विश्वविद्यालय कोटा का कुलपति बनाया गया है, बगदाराम चौधरी को कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर का नया कुलपति बनाया गया है, डॉक्टर अरुण कुमार स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर है उनका कुलपति बनाया गया है, प्रोफेसर राम सेवक दुबे को जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर का कुलपति बनाया गया है, डॉक्टर अजीत कुमार महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के कुलपति बने हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जो डॉक्टर प्रदीप कुमार प्रजापति है उनको डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण राजस्थान आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जोधपुर के नए कुलपति बनाए हैं, डॉक्टर जो कैलाश सोडाणी है उनको वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय जो ओपन कोटा है उसके जो कुलपति वो बनाए गए हैं, डॉक्टर बलराज सिंह को श्रीकरण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर के अंदर है उनका कुलपति नियुक्त किया गया, तो 8 विश्वविद्यालयों के नए कुलपति नियुक्त किए गए थे अक्टूबर 2020 में, तो उनकी लिस्ट ये है जिनको आप ध्यान से पढ़ोगे। अगला क्या है, सौर कृषि आजीविका योजना, इसके अंदर क्या क्या जाता है, ये अक्टूबर के अंदर शुरू हुई थी, इसके अंदर क्या किया जाता है, तो सौर कृषि आजीविका योजना के अंदर जो अनुपयोगी या बंजर भूमि है उस पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में सरकार सहायता करती है, सहायता कैसे करती है, आपको पता है प्रधानमंत्री जो कुसुम योजना चल रही है उसके अंदर सोलर पैनल दिए जाते हैं, तो उसके अंदर जो राज्य सरकार 30% अनुदान देती है उसको थोड़ा इजी गोइंग तरीके से दिया जाएगा, तो सौर कृषि आजीविका योजना क्या है आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्या है,
अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर 2022 को वृद्धजनों को सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब आता है, तो 1 अक्टूबर को आता है। 1 अक्टूबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के उत्सव पर वृद्धजनों को सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगला क्या है, राजस्थान को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में 6 पुरस्कार मिले हैं। अक्टूबर के अंदर जो अपना राज्य राजस्थान है उसको स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत 6 पुरस्कार दिए गए हैं। इनमें से किस किस श्रेणी में क्या पुरस्कार दिया गया, तो आप देख लीजिए, भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय समारोह में ये पुरस्कार 2 अक्टूबर 2022 को दिए गए थे। राजस्थान में देश में खुले में शौच यानी मुक्त ODF, जिसको अपन ODF बोलते हैं, ओपन डिपेंडेंसी जिनको बोलते हैं, राजस्थान देश में जो खुले शौच से मुक्त प्लस जो अभियान चल रहा है उसके अंदर 8वें स्थान पर है। राष्ट्रीय स्तर पर आपको ध्यान रखना है, राजस्थान देश में जो ODF प्लस चल रहा है उसके अंदर 8वें स्थान पर रहा है पूरे देश में। राष्ट्रीय फिल्म प्रतियोगिता में बूंदी जिले के ग्राम पंचायत रामनगर को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। राज्य को उत्तर क्षेत्र में के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में दीवार लेखन यानी वॉल पेंटिंग अभियान, ODF प्लस, गोबरधन, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, दूसर जल प्रबंधन, मलीय कीचड़ प्रबंधन में प्रथम पुरस्कार और जैविक कचरा प्रबंधन में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है क्या क्या हुआ है, तो ये जो राजस्थान को जो स्वस्थ भारत मिशन ग्रामीण चल रहा है उसके अंदर 6 पुरस्कार मिले हैं और इनको इन इन श्रेणियों में दिया गया है। आगे चलते हैं, आगे क्या है, गांधी जयंती के अवसर पर गांधी सद्भावना सम्मान में 5 गांधीवादी विचारकों को सम्मानित किया गया। गांधी जयंती कब आती है, आपको पता है 2 अक्टूबर को आती है, अक्टूबर का अपन करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। तो जब गांधी जयंती आई थी तो उस पर गांधी सद्भावना सम्मान में 5 गांधीवादी विचारकों को सम्मानित किया गया। तो 5 गांधीवादी विचारक कौन थे जिनको सम्मानित किया गया था गांधी सद्भावना सम्मान से, तो डॉक्टर SN सुबाराव है, इनको मरने के बाद इन्हें मरणोपरांत मिला है। नेमीचंद जैन है, उनको भी मरणोपरांत मिला है। अमरनाथ भाई जी को दिया गया है। गांधी पीस फाउंडेशन के अध्यक्ष कुमार प्रशांत को दिया गया है। भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के फाउंडर चीफ पेट्रन DR मेहता को दिया गया। तो इन 5 लोगों को गांधी जयंती के अवसर पर गांधी सद्भावना सम्मान में, 5 जो गांधीवादी विचारक थे उनको इन लोगों को सम्मानित किया है। अगला क्या है, 10,000 वर्ग मीटर से ऊपर की पर्यटन इकाइयों को 3 रुपए प्रति वर्ग मीटर के स्थान पर 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर भूमि कर के रूप में दे होगा। आपको पता है अभी राजस्थान सरकार जो पर्यटन को बढ़ावा दे रही है उसी सरणी के अंदर 10,000 वर्ग मीटर से ऊपर की जो पर्यटन इकाई है जिनके पास है उनको 3 रुपए प्रति वर्ग किलोमीटर के स्थान पर 2 रुपए प्रति वर्ग किलोमीटर ही भूमि कर लगाया जाएगा। ठीक है, आगे क्या है, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2022। ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक चीज ये पढ़ ले, इससे पहले तो अच्छा रहेगा, इन्वेस्टमेंट राजस्थान समिट 2022 के बारे में पढ़ लो। जो 2022 के अंदर इन्वेस्टमेंट राजस्थान समिट है वो 7 और 8 अक्टूबर को JECC जो कॉलेज है जयपुर के अंदर वहां पर हुई थी। तो यही लिखा है, राजस्थान सरकार की ओर से जयपुर में JECC में इन्वेस्टमेंट राजस्थान समिट 2022 का आयोजन 7 से 8 अक्टूबर 2022 को किया गया। अक्टूबर का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट समिट होती है ये। इस समिट के दौरान टूरिज्म एवं एग्रो बिजनेस कॉन्क्लेव का आयोजन 7 अक्टूबर 2022 को किया गया। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत, आपको ध्यान रखना है राजस्थान का उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री वो शकुंतला रावत है। तो उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत ने इन्वेस्टमेंट राजस्थान समिट के दौरान घोषणा की कि राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू करेगा। ऐसा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य होगा। तो ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य राजस्थान होगा। अब इन्वेस्टमेंट राजस्थान समिट 2022 में एक राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम भी लागू की गई जो ऊपर लिखी हुई है। वो कब लागू की गई, तो इन्वेस्टमेंट राजस्थान समिट 2022 में लागू की गई थी। अब इसको पढ़ो तब समझ में आएगा, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2022। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन्वेस्टमेंट राजस्थान समिट कब हुई थी, 7 अक्टूबर 2022 को हुई थी। आपको पता है कहाँ हुई थी, 7 और 8 अक्टूबर को JECC जयपुर के अंदर, आपने जस्ट अभी पढ़ा है। राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2022 जिसको अपन रिप्स 2022 बोलेंगे उसको लॉन्च किए, इसको शॉर्ट में रिप्स बोलते हैं, पूरा नाम राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2022 से उसको लॉन्च किया है। कब किया है, राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान 7 और 8 अक्टूबर को JECC कॉलेज जयपुर के अंदर जो समिट हुई थी उस टाइम पर। इसके अंतर्गत राज्य में व्यापक स्तर पर रोजगार सृजित करने वाले, अनुसूचित जनजाति जाति के उत्थान में योगदान देने वाले तथा क्षेत्र के विकास में उत्कृष्ट कार्य करने वाले उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। ऐसे उद्योग जो समाज के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं, SC ST के लिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं और जो सामाजिक क्षेत्र के अंदर अच्छा योगदान दे रहे हैं उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे उद्योगों को प्रमोट करेगी राजस्थान सरकार। यही थी राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2022 जो कब लागू हुई, 7 और 8 अक्टूबर 2022 को जब इन्वेस्टमेंट समिट हुई थी, राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट हुई थी तब। ठीक है, आगे क्या, आगे चलते हैं, राजस्थान रत्न पुरस्कार 6 विभूतियों को राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अक्टूबर के अंदर राजस्थान की 6 विभूतियों को राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अंदर 6 कौन कौन लोग थे, तो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश RM लोडा थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्ति न्यायाधीश दलवीर भंडारी थे। वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल थे। ओस्लर मित्तल के चेयरमैन
एलन मित्तल थे, संगीत निर्माता केसी मालू थे, उर्दू शायर सीन काफ निजाम। तो इन छह विभूतियों को राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया। छहों के छहों इंपोर्टेंट, ध्यान रखोगे, आर एम लोडा, दलवीर भंडारी, अनिल अग्रवाल, एल एन मित्तल, केसी मालू और कोप निजाम, सीन कोप निजाम। ठीक है, छह पांचों का छहों के छहों नाम याद रखोगे, इंपोर्टेंट है। आगे चलते, आगे क्या है। राजस्थान में 68वें वन्यजीव सप्ताह का आयोजन 2 से 8 अक्टूबर 2022 को किया गया। डेट नहीं पूछेंगे इसमें, 2 से 8 अक्टूबर इसमें यही पूछेंगे, जो अभी हाल ही में अक्टूबर के अंदर वन्य जीव सप्ताह का आयोजन किया था वो कौन से नंबर का था, तो 68वें नंबर का था। आगे क्या, 2 दिवसीय मारवाड़ उत्सव जो 8 और 9 अक्टूबर 2022 को जोधपुर में आयोजित किया गया। आपको पता है 2 दिवसीय जो मारवाड़ उत्सव है वो 8 और 9 अक्टूबर 2022 को जोधपुर में आयोजित किया गया। अक्टूबर का अपन करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, तो 8 और 9 अक्टूबर की बड़ी घटना है। यहां पर 2 दिन जोधपुर के अंदर 2 दिवसीय मारवाड़ उत्सव का आयोजन किया गया था। आगे क्या है, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना जो आपको राजस्थान में पता है, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना चल रही है। सबसे पहले तो ये यात्रा क्या है, इसके बाद इसके अंदर अक्टूबर में क्या हुआ है, किस लिए ये चर्चा में, मैं दोनों बताता हूँ। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के क्रम में 20,000 वरिष्ठ नागरिकों को देवी स्थानों पर भ्रमण करवाया जाएगा। 20,000 जो राजस्थान के जो 20,000 वरिष्ठ नागरिक है उनको देवी स्थानों पर भ्रमण करवाया जाएगा। इनमें से 18,000 यात्रियों को ट्रेन से, 2,000 यात्रियों को हवाई जहाज से यात्रा करवाई जाएगी। इसके अंदर 18,000 यात्रियों को तो ट्रेन से यात्रा करवाई जाएगी, 2,000 यात्रियों को हवाई जहाज से यात्रा करवाई जाएगी। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत दूसरी ट्रेन है वो 11 अक्टूबर 2022 को भगत की कोठी जोधपुर से जगन्नाथपुरी, आपको पढ़ा उड़ीसा में पड़ता है, जगन्नाथपुरी के लिए रवाना की गई थी। तो आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, जो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना चल रही है पहले तो है क्या, उसके अंदर राजस्थान सरकार 20,000 वरिष्ठ नागरिकों को देव स्थानों पर भ्रमण करवाएगी। इसके अलावा इसके अंदर क्या है, तो 18,000 यात्री उनको तो ट्रेन से भ्रमण करवाएंगे, 2,000 यात्रियों को हवाई जहाज से यात्रा करवाएंगे, जिसमें वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना की जो दूसरी ट्रेन है वो 11 अक्टूबर 2022 को भगत की कोठी जोधपुर से लेकर जगन्नाथपुरी जो उड़ीसा में पड़ता है वहां के लिए रवाना हुई थी। ये थी इंपॉर्टेंट। इसके आगे चलते, आगे क्या है, डींग महोत्सव राज्य सरकार के पर्यटन विभाग और भरतपुर जिला प्रशासन की ओर से देशी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए 2 दिवसीय डींग महोत्सव का आयोजन 10-11 अक्टूबर 2022 को किया गया। तो आपको ध्यान रखना है, डींग महोत्सव के बारे में पूछ सकते हैं। डींग महोत्सव राज्य सरकार के पर्यटन विभाग और भरतपुर जिला प्रशासन की ओर से देशी और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए 2 दिवसीय डींग महोत्सव का आयोजन है 10 और 11 अक्टूबर 2022 को भरतपुर में किया गया। आगे चलते हैं, आगे क्या है, 36वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान का 20वां स्थान प्राप्त किया। जो 36वें राष्ट्रीय खेल चल रहे हैं उसके अंदर राजस्थान ने 20वां स्थान प्राप्त किया है। 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 29 सितंबर से 12 अक्टूबर में गुजरात में किया गया। जो 36वें राष्ट्रीय खेल है उसके अंदर राजस्थान ने 20वां स्थान प्राप्त किया है, और इनका आयोजन कहाँ हुआ था, तो आयोजन गुजरात में हुआ था। राजस्थान में इन खेलों में 3 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक और 24 कांस्य पदकों के साथ 20वां स्थान प्राप्त किया है। तो आपको ध्यान रखना है, 3 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक, 24 कांस्य पदक जीते हैं 36वें राष्ट्रीय खेलों के अंदर, और 20वां स्थान राजस्थान का रहा है और गुजरात के अंदर ये हुए हैं। ठीक है, आगे क्या, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस पंकज मित्तल बने। अक्टूबर के अंदर जो राजस्थान उच्च न्यायालय है उनके मुख्य न्यायाधीश है उनको जस्टिस पंकज मित्तल को बनाया गया। पंकज मित्तल के बारे में अपन कुछ चीजें पढ़ते हैं। जस्टिस जो पंकज मित्तल है वो राजस्थान उच्च न्यायालय के 40वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रीट वालों आ सकता है, जो जस्टिस पंकज मित्तल है वो राजस्थान के उच्च न्यायालय के कौन से नंबर के न्यायाधीश है, तो 40वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है। ये पदभार ग्रहण करने से पूर्व वे जम्मू कश्मीर व लद्दाख उच्च न्यायालय के रूप में कार्य कर चुके हैं। ये जब राजस्थान के अंदर ही आए थे 40वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बनकर, उससे पहले ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। आगे क्या है, जस्टिस पंकज मित्तल का कार्यकाल 8 महीने रहेगा। वे 16 जून 2023 तक राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। तो इनका कार्यकाल है वो 8 महीने का रहेगा और 16 जून 2023 तक राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। इसके आगे क्या है, 20 सूत्री कार्यक्रम हेतु राज्य स्तरीय समिति के गठन को मंजूरी दी गई। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने आदेश जारी करके 20 सूत्रीय कार्यक्रम के आयोजन क्रियान्वयन में समन्वयन के लिए राज्य स्तरीय समिति का गठन 14 अक्टूबर 2022 को स्वीकृत कर दिया है। इस समिति के अध्यक्ष वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होंगे और समिति के जो उपाध्यक्ष वो डॉक्टर चंद्रभान होंगे। समिति की बैठक वर्ष में 2 बार आयोजित की जाएगी। ध्यान रखना है, 20 सूत्रीय कार्यक्रम हेतु राज्य स्तरीय जो समिति गठन की उसके बारे में, उसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री रहेंगे और उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान रहेंगे और हर साल में 2 बैठक होगी उनकी। ठीक है, अगला क्या, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के पूर्व संयुक्त निदेशक पन्नालाल मेघवाल को कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में उल्लेखनीय लेखन कार्य के लिए भूपेन हजारिका समर्पण समाज गौरव सम्मान 2022 से 16 अक्टूबर 2022 को सम्मानित किया गया। आपको ध्यान रखना है, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के जो पूर्व संयुक्त निदेशक है पन्नालाल मेघवाल, उनको कला व संस्कृति के क्षेत्र में उल्लेखनीय लेखन कार्य के लिए भूपेन हजारिका समर्पण सम्मान समाज गौरव सम्मान 2022 दिया गया, जो 16 अक्टूबर 2022 को दिया गया। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ध्यान रखना, पूछ सकते हैं, भूपेन हजारिका समर्पण समाज गौरव सम्मान 2022 किसे दिया गया, पन्नालाल मेघवाल को दिया गया। पन्नालाल मेघवाल कौन है, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के पूरे संयुक्त निदेशक रह चुके हैं और वे कला व संस्कृति के क्षेत्र में उल्लेखनीय लेखन कार्य करते हैं, ये लेखक है। ठीक है, आगे चलते, आगे क्या है,
राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 हनुमानगढ़ ओवरऑल चैंपियन रहा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 हुए थे अक्टूबर के अंदर, उसमें हनुमानगढ़ है वो ओवरऑल चैंपियन रहा था। जयपुर के मानसरोवर में सिटी पार्क का लोकार्पण, बिल्कुल जो हाउसिंग बोर्ड है, जयपुर हाउसिंग बोर्ड है उसने बनाया है, तो जयपुर के मानसरोवर में सिटी पार्क का लोकार्पण। तो आपको पूछ सकते हैं सिटी पार्क कहाँ है, सिटी पार्क मानसरोवर के अंदर जयपुर के अंदर है, जो वीटी रोड चौराहे पे पड़ता है। आगे क्या है, डिजिटल इंडिया मिशन के तहत राजस्थान के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पुरस्कार मिला। जो डिजिटल इंडिया मिशन चल रहा है उसके तहत राजस्थान के आर्थिक व सांख्यिकी निदेशालय उसको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पुरस्कार दिया गया है, वो भी अक्टूबर में दिया गया। अगला क्या, ई गवर्नेंस के क्षेत्र में पारदर्शिता और सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की मंजूरी मिली है। आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछ सकते हैं ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किस लिए की गई, तो ई गवर्नेंस क्षेत्र में पारदर्शिता और सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई। आगे क्या, अगले पे चलते हैं। राजस्थान के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं, उमेश मिश्रा बने हैं। 1 मई 1964 को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में जन्मे उमेश मिश्रा प्रदेश के 35वें डीजीपी हैं। राजस्थान के जो नए डीजीपी बने हैं उनका नाम पूछा है, तो आपको ध्यान रखना उमेश मिश्रा है वो राजस्थान के नए पुलिस महानिदेशक जिनको डीजीपी बोलते हैं वो बने हैं। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के अंदर जन्मे हुए हैं ये, और ये 35वें नंबर के डीजीपी है। कितने नंबर के, 35वें नंबर के, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला क्या है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती विश्व अहिंसा दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में 28 अक्टूबर 2022 को गांधी सप्ताह का आयोजन किया गया। इसके अंदर डेट पूछ सकते हैं, गांधी सप्ताह का आयोजन कब किया गया, तो 28 अक्टूबर 2022 को गांधी सप्ताह का आयोजन किया गया था। आगे क्या है, मोनिका जाट अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिस्ट है, उन्हें मुख्यमंत्री ने 8.63 लाख रुपए की साइकिल भेंट की। स्पोर्ट्स में आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मोनिका जाट का संबंध किससे है, तो साइकिलिस्ट है, साइकिल चलाने में ये माहिर है, तो मोनिका जाट अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिस्ट है जिन्हें मुख्यमंत्री जी ने 8.63 लाख रुपए की साइकिल गिफ्ट की है। आगे क्या है, राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी जयपुर में निर्मला भंडारी के स्थान पर विमला भंडारी को मनोनीत किया है। इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना क्या है, राज्य सरकार ने एक आदेश जारी किया है और इसके अंदर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी जयपुर के अंदर है उसमें जो निर्मला भंडारी को पहले मनोनीत किया गया था, अब उसके स्थान पर विमला भंडारी को किया, दोनों भंडारी है, ध्यान रखना, निर्मला को हटाकर विमला को लाया गया, निर्मला को हटाकर विमला को लाया गया। आगे क्या है, पुलिस जवाबदेही समिति का गठन, पुलिस जवाबदेही समिति है ना उसका गठन किया है, ठीक है, जो पुलिस जवाबदेही समिति का गठन अक्टूबर में हुआ है। समिति का अध्यक्ष कौन होगा, तो जस्टिस एचआर पुड़ी को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। सदस्य या सचिव इसके कौन होंगे, तो हवा सिंह घुमरिया अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सदस्य कानून और व्यवस्था के, सचिव होंगे इनके पूर्व विधायक गोपाल राम मेघवाल, सुनीता भाटी और अजीत दर, इन जो पूर्व विधायक है उनको इनका सचिव बनाया गया है। सदस्य सचिव हवा सिंह घुमरिया को बनाया गया, समिति का अध्यक्ष जस्टिस एचआर पुड़ी होंगे, पुलिस जवाबदेही समिति, समिति का नाम रखा गया है, ठीक है। आगे क्या है, अर्बन हार्ट, अर्बन हार्ट क्या है, जो दिल्ली में हार्ट मार्केट चलता है उसकी तर्ज पर कुछ है, पढ़िए क्या है अर्बन हार्ट। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिल्ली हार्ट की तर्ज पर जयपुर अर्बन हार्ट को विकसित करने के लिए 9 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। अर्बन हॉट स्लिप एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक स्थायी मेला होगा, इसमें प्रदेश के विभिन्न स्थानों से आए कारीगर शिल्पकार शामिल हो सकते हैं। स्वीकृति प्रस्ताव के अनुसार अर्बन हॉट जयपुर आमेर विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किया जाएगा। तो आपको पता है मार्केट लगाया जा रहा है, अर्बन हार्ट जयपुर के अंदर लगाया जा रहा है, 9 करोड़ रुपए की, इसमें अशोक गहलोत ने इनकी प्रस्तावना मंजूरी कर दी है, और जो दिल्ली में हार्ट मार्केट चलता है उसी की तर्ज पर है। अर्बन हार्ट के अंदर जो शिल्प और सांस्कृतिक गतिविधियां हैं उनके स्थायी मेले यहां पर होंगे, और इसके स्वीकृति प्रस्ताव के अनुसार अर्बन हार्ट जयपुर के अंदर लगेगा उसमें आमेर विकास प्राधिकरण होगा उसके द्वारा इसका विकास किया जाएगा। आगे क्या है, नागरिक प्रशिक्षण संस्थान, जो नागरिकों को प्रशिक्षण देती है, नागरिक प्रशिक्षण संस्थान सिविल डिफेंस इंस्टीट्यूट जयपुर के दौलतपुरा यानी जमुआ रामगढ़ के में खोला जाएगा। जमुआ रामगढ़ आपको पता है दौलतपुरा जयपुर के अंदर है, वहां पर नागरिक प्रशिक्षण संस्थान सिविल डिफेंस इंस्टीट्यूट खोला जाएगा। इस संस्थान में क्या होगा, आपदा की स्थिति में आम लोगों की मदद करने के लिए युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस संस्था के अंदर क्या होगा, अगर मान लो कि चलते यहाँ भूकंप आ गया, जैसे अभी बार आपको बताया कहाँ भूकंप आया था, जैसे यहाँ पर भूकंप आ गई, ज्वालामुखी आ गई, या कुछ ऐसी प्राकृतिक घटना हो गई, तो उसके अंदर सिविल लोगों को कैसे सुरक्षित किया जाएगा, उसके लिए नागरिक प्रशिक्षण संस्थान है वो जयपुर के दौलतपुरा जमुआ रामगढ़ में खोला गया। आगे क्या है, नाथ द्वारा राजसमंद में भगवान शिव की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा विश्वास स्वरूप। आज आपको पता है महाशिवरात्रि है, सबसे पहले तो आपको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, और महाशिवरात्रि पर शिवजी के नाम से अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हम आपके लिए
इतने अच्छे से कंटेंट ला रहा हूँ, बहुत ही शानदार। आपने बोला सर हमें हर महीने का चाहिए, पहले मैंने जनवरी का अपलोड किया था, आपने बोला सर हमें हर महीने का चाहिए, तो मैं आपको हर महीने के अलग अलग क्लास बना के दूंगा, 12 महीने के दे दूंगा पिछला। इसके अलावा फ्लेक्सिप योजनाओं का आपने बोला है, तो मैं फ्लेक्सिप योजनाओं की एक क्लास ला के दे दूंगा। इसके अलावा आपकी जो डिमांड होगी वो डिमांड मैं उसी दिन पूरी कर दूंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो, अच्छे अच्छे कमेंट किया करो, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, ठीक है। तो नाथ द्वारा राजसमंद में भगवान शिव की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा विश्वास स्वरूप, आपसे पूछा जा सकता है विश्वास स्वरूप किसकी प्रतिमा है, तो विश्वास स्वरूपम भगवान शिव की प्रतिमा है। आपसे पूछा जा सकता है विश्वास स्वरूपम कहां है, तो नाथ द्वारा रासमंद के अंदर। आपसे पूछा जा सकता है विश्वास स्वरूपम की ऊंचाई कितनी है, तो 369 फुट है, तो आपको यह जानकारी रहनी चाहिए। 369 फुट ऊंची शिव की इस विश्वास स्वरूप प्रतिमा का लोकार्पण प्रसिद्ध रामकथा वाचक मुरारी बापू और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 29 अक्टूबर 2022 को किया गया। अक्टूबर का अपन करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, तो अक्टूबर की घटना है। लगभग 10 वर्ष में निर्मित इसे विश्व कि विशालतम शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूप के निर्माण में मुख्य भूमिका मदन पालीवाल ने निभाई है। मदन पालीवाल इसके अंदर मुख्य भमासा रहे हैं। आगे क्या, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अंग दान पर आधारित फिल्म ए जिंदगी को राज्य में कर मुक्त करने की मंजूरी अक्टूबर 2022 में दी है। सच्ची कहानी पर आधारित ये फिल्म नैतिक अंग दान को प्रोत्साहित करती है। जो अपन बॉडी पार्ट डोनेट करते हैं उस पर एक मूवी बनी है, उस मूवी का नाम है ए जिंदगी। ए जिंदगी को राज्य सरकार ने अक्टूबर के अंदर कर मुक्त कर दिया, टैक्स फ्री कर दिया, तो आपको ध्यान रखना है ए जिंदगी फिल्म का नाम, ठीक है। अगला क्या है, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने उदयपुर जिले के जनजाति अंचल कोटडा में अक्टूबर 2022 में बाल आयोग आपके द्वार जन जागृति अभियान चलाया था। इस कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों को बाल श्रम एवं बाल तस्करी के विरुद्ध जागरूक किया जाएगा। तो आपको याद रखना है बाल आयोग आपके द्वार जागृति अभियान है वो कहाँ चलाया जा रहा है, तो उदयपुर के अंदर अंचल या कोटडा के अंदर चलाया जा रहा है। उदयपुर जिले के अंदर जो कोटडा है वहां पर चलाया जा रहा है, इसके अंदर जो बाल श्रम और बाल तस्करी के विरुद्ध लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आगे क्या, आगे चलते हैं, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम तथा कोल इंडिया लिमिटेड दोनों मिलकर एमओयू 13 अक्टूबर 2022 को किया गया है। बीकानेर जिले की पोंगल तहसील में कुल 2000 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाला सोलर पार्क स्थापित करेगी। ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम और कोल इंडिया लिमिटेड है दोनों मिलकर, दोनों ने समझौता किया 13 अक्टूबर 2022 को, और बीकानेर जिले की जो पोंगल तहसील है वहां पर 2000 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाला सोलर पार्क स्थापित करेंगे, ठीक है। एकमुश्त समझौता योजना, किसानों का 50% तक का ब्याज माफ किया जाएगा। राजस्थान सरकार के द्वारा प्रदेश के किसानों को सहायता प्रदान कराने के लिए प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों से जुड़े किसानों के लिए एकमुश्त समझौता योजना लागू की जाएगी। इस योजना के तहत किसानों का 50% तक का ब्याज माफ किया जाएगा, किसानों का 50% ब्याज माफ किया जाएगा। जिन किसानों की मृत्यु हो चुकी है ऐसे परिवारों को की ब्याज माफी दंडनीय ब्याज सहित वसूली खर्चे माफ किए जाएंगे। दीर्घकालीन कृषि ऋण को समय पर चुकाने पर किसानों को 5% ब्याज अनुदान की योजना भी प्रस्तावित है। राजस्थान सरकार ने किसानों को संबल देने के लिए 5% ब्याज अनुदान योजना लागू की है। इस योजना के तहत 2019 से 2022 तक किसानों को 53.23 करोड़ रुपए का अनुदान भी दिया गया है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये था अक्टूबर का करंट अफेयर। मैंने इसी कड़ी के अंदर नवंबर 2022 का करंट अफेयर पढ़ना शुरू करते हैं, उसके बाद दिसंबर और जनवरी का पढ़कर अपना पिछले 6 महीने का करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। नवंबर की प्रमुख घटनाएं क्या है, 29 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना का शुभारंभ किया। इंपॉर्टेंट इसमें यही है कि 29 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर के अंदर बाल गोपाल योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना का शुभारंभ किया, और इसी दिन इन दोनों योजनाओं के लोगों का भी अनावरण किया गया। लोगों, समझते हो आप, लोगों का भी अनावरण किया गया, ठीक है। और इसके अलावा राज्य में जो शिक्षा के बढ़ते कदम के तृतीय फेज के मोबाइल ऐप दक्षता आधारित डिजिटल रिपोर्ट कार्ड में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों में बाल वाटिका की प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ कर उनका पोस्टर भी विमोचन किया गया। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान यही रखना है। 29 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना का शुभारंभ किया है। इसके आगे सेव प्रोजेक्ट, सेव प्रोजेक्ट क्या है, सेव को ऐसे लिखते हैं SAVE, सेव, सेव का पूरा नाम क्या है, सेफ्टी अगेंस्ट वायलेंस एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, सेफ्टी अगेंस्ट वायलेंस एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रंस, ठीक है। और ये 28 नवंबर 2022 को सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग और यूनिसेफ ने राजस्थान के संयुक्त तत्वाधान से अलवर जिले के अंदर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस नवाचार को प्रारंभ किया है। अलवर में अगर ये सफल हो जाता है तो बाद में पूरे राज्य में इसको लागू किया जाएगा। ये सेव का पूरा नाम है, सेफ्टी अगेंस्ट वायलेंस एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। सेव नवाचार का उद्देश्य क्या है, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना, जिसमें मुख्य रूप से शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य शामिल है, ठीक है। तो आपसे पूछ सकते हैं सेव के अंदर क्या क्या शामिल है, तो सेव के अंदर शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं शामिल है, ठीक है। इसके आगे अर्जुन पुरस्कार दिए गए थे कुछ, ये अर्जुन पुरस्कार ध्यान रखना है, राजस्थान पुलिस के दो जो अधिकारी थे इनको 14 नवंबर 2022 को केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय ने ये दो अवार्ड घोषित किए हैं, जिसके अंदर 30 उसको बाद में 30 नवंबर को 14 नवंबर को तो इसकी घोषणा की गई थी, और 30 नवंबर 2022 को जो राष्ट्रपति अपने द्रौपदी मुर्मू
जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं उनके उन्होंने ओम प्रकाश मिठार वाले जो शूटिंग से संबंधित है और साक्षी कुमारी जो कबड्डी से संबंधित है इन दोनों को अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो दोनों का नाम ध्यान रखना है, ओम प्रकाश मिठार वाले जो शूटिंग से संबंधित है और साक्षी कुमारी कबड्डी से संबंधित है दोनों को अर्जुन पुरस्कार दिया है 30 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, ठीक है ध्यान रखना है। एक योजना चली थी नवंबर के अंदर के कृषि अध्ययनरत छात्रों को प्रोत्साहन योजना, इस योजना का नाम भी यही था कृषि में अध्ययनरत छात्रों को प्रोत्साहन योजना। इसके अंदर सीधे सीधे शब्दों में बता देता हूं, आप इतने पढ़ने के बजाय सीधे सीधे आप याद रखना क्या है। इसके अंदर कृषि क्षेत्र के अंदर महिलाओं को सशक्तिकरण को प्रभावी करने के लिए उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए योजना चालू की गई है। इसके अंदर 11th क्लास के बाद PhD तक कोई भी लड़की अगर कोई भी जो बालिका है वो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लेती है कृषि विज्ञान सब्जेक्ट लेती है तो उसको 11वीं से लेकर PhD तक 5,000 से लेकर 15,000 रुपये की राशि प्रतिवर्ष दी जाएगी, ठीक है। और राज्य का इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो बालिकाओं को कृषि क्षेत्र में नवीनतम तकनीकों का अध्ययन करें और औपचारिक शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करें जिससे न केवल उनके परिवार की आय बढ़े देश और राज्य भी उससे समृद्ध होगा। तो ये थी कृषि अध्ययन छात्रों का प्रोत्साहन योजना। आगे चलते हैं, आगे क्या है, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी घोषणा तो पहले ही हो गई थी, अभी इसका जो 13 नवंबर 2022 को इसका शिलान्यास हुआ था, तो इसका शिलान्यास कब हुआ था, तो मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जोधपुर के अंदर जो राजकीय पॉलिटेक्निकल महाविद्यालय है उसके अंदर 3 दिवसीय राजस्थान डिजिटल फेयर जो डिजिटल फेस्ट एंड जॉब फेयर चल रहा था, इंपॉर्टेंट है, रीट में पूछा था कि जॉब फेयर कहाँ चल रहा था तो आपको बताना जोधपुर के अंदर चल रहा था। जब उसका समापन समारोह था तो राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट का शिलान्यास भी किया गया है और 672.45 करोड़ रुपए की लागत से ये इंस्टीट्यूट तैयार होगा जिसके अंदर विद्यार्थियों और स्टार्टअप सहित युवाओं को विश्व स्तरीय मंच देने की योजना है, ठीक है। इसके आगे क्या है, इसके आगे डेप ओलंपिक में जो पदक विजेता था उनको पुरस्कार राशि दी गई, ठीक है। डेप ओलंपिक में जो पदक विजेता थे उनको पुरस्कार राशि दी गई। आपको पता है राजस्थान के अंदर राजस्थान की जो राज्य सरकार है वो खिलाड़ी को प्रोत्साहन के लिए जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक रजत पदक या कांस्य पदक जो जीतते हैं तो स्वर्ण पदक जीतने वाले को 3 करोड़ रुपए देती है, रजत पदक जीतने वाले को 2 करोड़ रुपए देती है और कांस्य पदक जीतने वालों को 1 करोड़ राशि देती है राज्य सरकार अपनी जो राजस्थान सरकार है वो। उसी के चलते 25 नवंबर 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डेप ओलंपिक 2022 के जो पदक विजेता 3 खिलाड़ी थे उनको 7 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि दी जाने के अनुमोदन किया था। डेप ओलंपिक के अंदर जो बैडमिंटन से स्वर्ण पदक थी अभिनव शर्मा और गोरांशी शर्मा, अभिनव शर्मा और गोरांशी शर्मा जो बैडमिंटन से स्वर्ण पदक थे डेप ओलंपिक 2022 के अंदर उनको 3-3 करोड़ रुपए दिए गए। और इसके अलावा डेप राइफल शूटिंग के अंदर जो कांस्य पदक विजेता थी वेदिका शर्मा उसको 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी, ठीक है। तो ये दी गई है, बाकी ये 3 करोड़ 2 करोड़ जो मैंने आपको बताया था वो चीजें लिखी हुई है, ठीक है। इसके आगे है ट्रांसजेंडर उत्सव, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अंदर ट्रांसजेंडर उत्सव में आपको याद रखने वाली चीजें मैं बता देता हूँ क्या क्या है, ठीक है। 30 नवंबर 2022 को जो राजस्थान के सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली है उन्होंने राज्य के अलवर जिले के अंदर, ठीक है ध्यान रखना, अलवर जिले के अंदर जो प्रताप ऑडिटोरियम है उसमें राज्य स्तरीय ट्रांसजेंडर उत्सव का शुभारंभ किया। तो सबसे पहला तो यही पूछा जाएगा 30 नवंबर 2022 को ट्रांसजेंडर उत्सव कहाँ मनाया गया, तो अलवर जिले के अंदर मनाया गया था प्रताप ऑडिटोरियम के अंदर, ठीक है इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना है, ठीक है। राज्य सरकार ने उस टाइम जब ये उत्सव मनाया गया तो उसी टाइम राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय की सामाजिक सुरक्षा के लिए ट्रांसजेंडर उत्थान कोष का गठन किया, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, ट्रांसजेंडर उत्थान कोष का गठन किया गया और उस कोष की राशि रखी गई है 10 करोड़ रुपए, इंपॉर्टेंट है वेरी वेरी ध्यान रखना। ट्रांसजेंडर जो ट्रांसजेंडर उत्थान कोष है उसके आपको राशि पूछ सकते हैं तो 10 करोड़ रुपए है, ठीक है। और देश में राजस्थान संभवतः ये पहला राज्य है जिसने इस प्रकार की योजना लागू की है। ट्रांसजेंडर की मांग है कि अगला ट्रांसजेंडर जो उत्सव है हमारा कोटा में मनाया जाना चाहिए, तो उसकी घोषणा भी कर दी है, कोटा में मनाने की घोषणा भी हो गई है, ठीक है। संगीत नाटक अकादमी ने कुछ अमृत पुरस्कार दिए हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। 25 नवंबर 2022 को संगीत नाटक अकादमी ने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 86 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार की घोषणा की है। तो पहले कलाकारों की संख्या भी ध्यान रखना आप, 86 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी ने अमृत पुरस्कार देने की घोषणा की है। यह पुरस्कार 75 वर्ष से अधिक उम्र का अगर कोई कलाकार है और वो आज तक किसी भी सम्मान से सम्मानित नहीं हुआ है, ठीक है, कोई भी राष्ट्रीय पुरस्कार उनको कभी प्राप्त नहीं हुआ तो उनको ये पुरस्कार दिया गया है। संगीत नाटक अकादमी ने अमृत पुरस्कार के अंदर 1 लाख रुपए और एक ताम्र पत्र और अंग वस्त्रम प्रदान किया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है अमृत पुरस्कार के अंदर जो संगीत नाटक अकादमी उसने 1 लाख रुपए और एक ताम्र पत्र दिया था, विशेष ध्यान रखना है। और 75 वर्ष से अधिक उम्र के जो कलाकार है जिनको आज तक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया तो उनको ये पुरस्कार दिया गया। इनमें 86 कलाकारों में राजस्थान के 5 कलाकार शामिल थे, ये इंपॉर्टेंट है, 86 में से राजस्थान के 5 कलाकार शामिल थे जिसके अंदर सरताज नारायण माथुर थे जो लोक संगीत से रिलेटेड है, भारत रत्न भार्गव रंगमंच से रिलेटेड है, जोधा खान जो लंगा संगीत से संबंधित है, अकीम खान मांगणियार है जो लोक संगीत से संबंधित, आपको पता है मांगणियार जाति है जो लोक संगीत के लिए जानी जाती है, गिरधारी लाल पंवार या गिरधारी जी महाराज जिनको अपन बोलते हैं वो कथक से संबंधित है। तो इन 5 कलाकारों को ये पुरस्कार दिया गया था, ये सम्मान दिया गया था, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना।
अगला क्या है, 48वीं जूनियर बॉयज नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप है, 17 से 20 नवंबर 2022 को ये उत्तराखंड के हरिद्वार के अंदर 48वीं जूनियर बॉयज नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप आयोजित हुई थी। 48वीं जूनियर बॉयज नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में राजस्थान की टीम ने फाइनल में हरियाणा को 36-23 के अंतर से हराकर स्वर्ण पदक जीता था। यहाँ पर राजस्थान जीता था, इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट बनती है इस नवंबर माह के करंट अफेयर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 48वीं जूनियर बॉयज नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप है जो 17 से 20 नवंबर 2022 को उत्तराखंड के हरिद्वार के अंदर जो संपन्न हुई थी, उसके अंदर राजस्थान ने हरियाणा को हराकर ये स्वर्ण पदक जीता था। राजस्थान ने कबड्डी में ये स्वर्ण पदक 18 साल बाद जीता था, तो ये राजस्थान के लिए गौरव का समय था और बहुत इंपॉर्टेंट था, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिए गए थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 16 नवंबर 2022 को राजस्थान में संगीत नाटक अकादमी जोधपुर ने वर्ष 2022-23 के लिए पुरस्कार देने की घोषणा की है। बिनाका जेस मालू की अध्यक्षता में संपन्न अकादमी की बैठक में वर्ष 2022-23 के लिए 12 अवार्ड देने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कमेटी बैठी है उसने ये निर्णय लिया है कि 12 अवार्ड दिए जाएंगे। बॉलीवुड में सक्रिय प्रसिद्ध एक्टर्स इला अरुण को राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का सर्वोच्च फेलोशिप सम्मान देने की घोषणा की गई है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना। बॉलीवुड में सक्रिय प्रसिद्ध एक्टर्स इला अरुण, आप सब जानते हो इला अरुण को राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का सर्वोच्च फेलोशिप सम्मान देने की घोषणा की गई है। ठीक है, आगे चलते, आगे क्या है, अब कुछ नवंबर माह का वन लाइनर करंट अफेयर है, वो आप पढ़ लीजिए जल्दी से। 28 नवंबर से 11 दिसंबर 2022 तक ऑस्ट्रेलिया और भारत की सेनाओं के बीच में संयुक्त द्विपक्षीय सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2022 महाजन फील्ड फायरिंग रेंज लूणकरनसर बीकानेर में आयोजित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, रीट में पूछा भी था और ये रीट से पहले मैंने आपको करवा दिया था। जो भी ये आपके सैन्य अभ्यास होते हैं, जो भी मिशन और सैन्य अभ्यास है, उनकी मैंने सैन्य अभ्यास की एक अलग से क्लास अपने इस यूट्यूब चैनल पर डाल रखे, आप जाइए, मुश्किल से 7-8 मिनट की क्लास है, 7-8 मिनट में सारे सैन्य अभ्यास हो जाएंगे। हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का आता है, तो अपना एक क्वेश्चन फिक्स हो जाएगा वहां से। तो आप जाइए और प्लेलिस्ट चेक कीजिए, बहुत ही शानदार कंटेंट है इस यूट्यूब चैनल पर। 1 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री जी ने राज्य के अजमेर में स्थित पुष्कर में अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला 2022 का आयोजन उद्घाटन किया था। 3 नवंबर 2022 को राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने राज्य सरकार की नव जीवन योजना के अंतर्गत अलवर जिले की महिलाओं हेतु कौशल प्रशिक्षण हेतु प्रथम बैच का शुभारंभ भी किया था। ये इतना वो इंपॉर्टेंट नहीं है। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की परियोजना जन कल्याण, जिसको पब्लिक वेलफेयर पोर्टल का चयन वर्ष 2022 में ई गवर्नेंस श्रेणी में स्कॉच गोल्ड अवार्ड के लिए किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। जो सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की परियोजनाएं हैं, जो जन कल्याणकारी परियोजनाएं हैं, उनके पब्लिक वेलफेयर पोर्टल का चयन करके वर्ष 2022 में ई गवर्नेंस श्रेणी में स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया है उनको। ठीक है, 4 से 7 दिसंबर 2022 को राजस्थान के उदयपुर में भारत की अध्यक्षता में पहली बार वर्ष 2023 में आयोजित होने वाली G20 शिखर सम्मेलन की एजेंडा शेरपा मीटिंग होगी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 4 से 7 तारीख हुई थी, इंपॉर्टेंट है, ये हो गई थी दिसंबर के करंट अफेयर में, पढ़ा दूंगा आपको। 6 नवंबर 2022 को डेल्फी काउंसिल ऑफ राजस्थान की अध्यक्षता में श्रेया गुहा द्वारा जयपुर के जवाहर कला केंद्र में कला शिविर में मारो राजस्थान का आयोजन तथा प्रदर्शनी का स्टॉल का उद्घाटन किया गया। श्रेया गुहा ने बताया कि राजस्थान विश्व में पहला प्रांत है जहां क्षेत्रीय काउंसिलिंग का गठन कर पंजीयन किया गया। इतना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखो तो रख लेना। स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल पनवाड़ा जो देवली टोंक के अंदर है, और राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय जो गंगापुर भीलवाड़ा को राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 से सम्मानित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना दोनों विद्यालयों का नाम। स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल पनवाड़ा देवली टोंक के अंदर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगापुर भीलवाड़ा को राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च विद्यालय पुरस्कार 2021-22 से सम्मानित किया गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। राजस्थान पुलिस की टीम ने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, जिसको अपन NSG बोलते हैं, NSG मानेसर में 21 से 26 नवंबर 2022 को आयोजित राष्ट्रीय स्काउट IID जिसको इम्प्रोवाइज एक्सप्लोटिव डिवाइस के प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त किया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, कौन सा स्थान, तीसरा स्थान प्राप्त किया है। 22 नवंबर 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पाली में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 19 राजकीय नर्सिंग महाविद्यालयों का शिलान्यास किया है। कितने का, 19 का, एग्जाम में पूछा जा सकता है कितने का, तो 19 का। साथ ही पाली जिले में 350 करोड़ रुपए से विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण, इतना इंपॉर्टेंट है। 19 राजकीय नर्सिंग महाविद्यालयों का शिलान्यास किया, ये इंपॉर्टेंट है। 26 नवंबर 2022 को भारत सरकार के पशुपालन डेयरी एवं मत्स्य विभाग द्वारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के अंतर्गत पशुपालन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पशुपालक, कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता, दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियों को गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार के तहत राजस्थान के गंगानगर जिले के सूरतगढ़ तहसील के संगर गांव के हरि सिंह गोदारा को कृत्रिम गर्भधान कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हरि सिंह गोदारा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना हरि सिंह गोदारा के बारे में। ठीक है, कृत्रिम गर्भाधान कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इनको द्वितीय पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, 11 से 13 नवंबर 2022 को असम के गुवाहाटी में आयोजित 22वीं नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के जोधपुर जिले की तिवरी तहसील के
बिजवाड़िया गांव में रहने वाली पूर्ण और निर्मला जो दो सगी बहनें हैं पूर्ण और निर्मला, उनने 7 पदक जीते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं पूर्ण और निर्मला है वो किस खेल से संबंधित है, तो ये दोनों स्विमिंग से संबंधित है। और इन्होंने जो गुवाहाटी असम के अंदर 22वीं नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप है उसके अंदर 7 पदक भी जीते हैं। अकेडमिक एक्सीलेंस के लिए देश का पहला राजेंद्र प्रसाद अवार्ड 2022 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में राजस्थान यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर डीन वे मैनेजमेंट डेवलपमेंट अकेडमी के चेयरमैन प्रोफेसर रमेश अरोड़ा जी को मिला है, ये भी इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। चित्तौड़गढ़ जिले की भदेसर तहसील में के गांव दौलतपुरा में लोक देवता अमराजी भगत, जिसको अपन अनगढ़ बाबूजी बोलते हैं, उसकी पेनोरमा बनेगी, ठीक है। तो ध्यान रखना चित्तौड़गढ़ जिले के भदेसर तहसील के अंदर जो दौलतपुरा गांव है उसमें लोक देवता अमराजी भगत, जिसको अपन अनगढ़ बाबूजी बोलते हैं, उनकी पेनोरमा बनेगी। ये जो सूजस के अंदर आया था इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते आगे क्या है, 24 नवंबर से 4 दिसंबर 2022 तक करौली में महावीर जी के पंच कल्याण महोत्सव हुए, महा मस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन किया गया। राजस्थान केडर में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर रुक्मणी रियाल सिया को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड 2022 प्रदान किया गया। इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड 2022 किसको दिया गया, तो वो दिया गया हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर रुक्मणी रियाल सिया को। 11 से 12 नवंबर 2022 को जयपुर ऑर्किटेक्ट फेस्टिवल जिसको IAF बोलते हैं उसका आयोजन सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टॉस जिसको सीडोस बोलते हैं रिको और फिक्की द्वारा संयुक्त रूप से किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। 26 अक्टूबर से 12 नवंबर 2022 तक भारत और फ्रांस की वायुसेना के मध्य संयुक्त युद्धाभ्यास गरुड़ 6T का आयोजन किया गया, जिसमें वायु स्टेशन जोधपुर के अंदर किया गया, ये भी मैंने आपको वहां पर पढ़ा दिया है, एक साथ पढ़ लेना। 11 से 13 मार्च 2023 को जोधपुर में राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 2023 का आयोजन किया गया, तो आपसे पूछ सकते हैं जो राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 2023 है उसका आयोजन कहाँ किया गया, तो जोधपुर के अंदर किया गया, डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। 11 से 12 नवंबर 2022 को जोधपुर के राजकीय पॉलिटेक्निकल कॉलेज में डीजी फेस्ट जॉब फेयर 2022 का आयोजन किया गया। अभी सीधे सीधे नवंबर के करंट अफेयर में मैंने आपको पढ़ाया था, रीट के अंदर सीधा सीधा छपा था। रीट के अंदर मेरे 6 महीने की 6 क्लासें डाल रखी, 1 महीने की उसमें से सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं गया था, और बता रहा हूँ LDC हाईकोर्ट में सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, पढ़ लेना बस आप ये। 21 नवंबर 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के भीलवाड़ा के शाहपुरा में स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारेट के पेनोरमा निर्माण के लिए 4 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 16 नवंबर 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के जयपुर जिले के बगरू में देहमी कला में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय परिसर का शिलान्यास किया, ये विश्वविद्यालय 387 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। इसके आगे चलते हैं, इसके आगे क्या है, 24 नवंबर 2022 को राज्य मंत्रिमंडल द्वारा बगैरों को शिक्षा, जो बेघर हैं उनको शिक्षा देने के लिए, बेघरों को शिक्षा देने के लिए कौशल एवं रोजगार उपलब्ध कराया जाकर सशक्त बनाने के उद्देश्य से राजस्थान बेघर उत्थान पुनर्वास नीति 2022 का अनुमोदन किया गया। 24 नवंबर 2022 को राज्य मंत्रिमंडल द्वारा ग्रामीण पर्यटन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 का अनुमोदन किया गया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 6 नवंबर 2022 को राजस्थान शिक्षा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला ने बीकानेर में 66वीं जिला स्तरीय विद्यालय खेलकूद के तहत शतरंज प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह के दौरान प्रदेश में 60,000 से अधिक सरकारी विद्यालयों में 19 नवंबर से चेस इन स्कूल कार्यक्रम प्रारंभ किए जाने की घोषणा है। चेस इन स्कूल कार्यक्रम इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। इसके बाद हर महीने के तीसरे शनिवार को जब नो बैग डे मनाया जाता है उस दौरान स्कूलों में शतरंज खिलाया जाएगा, ये भी आप ध्यान रखना। 21 नवंबर 2022 को भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिम कमान द्वारा एक एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रु नाश का आयोजन राजस्थान के बीकानेर के महाजन फील्डिंग रेंज में किया गया, तो ये भी है, ये भी मैंने उसमें करवा रखा है, तो 7 मिनट का वो वीडियो जरूर देखना जिसके अंदर युद्धाभ्यास करवा रखे हैं, ठीक है। 11 से 13 नवंबर 2022 को स्टोन इंडस्ट्री की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी इंडिया स्टोन मार्ट 2022 का आयोजन सीतापुरा में स्थित जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में किया गया है। इस स्टोन मार्ट का आयोजन राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निवेश निगम जिसको रिको बोलते हैं फिक्की के संयुक्त तत्वाधान से किया गया है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ध्यान रखना। इसके आगे क्या, नवंबर 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान राज्य गाड़िया लोहार कल्याण बोर्ड के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा इस बोर्ड का प्रशासनिक विभाग रखा गया, तो आपको ध्यान रखना है गाड़िया लोहार कल्याण बोर्ड का गठन की प्रस्तावना को मंजूरी मिली है, ठीक है। तो ये था नवंबर का करंट अफेयर, अब अपन पढ़ते हैं दिसंबर का करंट अफेयर। दिसंबर के करंट अफेयर में क्या इंपॉर्टेंट है, दिसंबर 2022 के करंट अफेयर में पहली लाइन क्या है, 30 नवंबर 2022 को राज्य स्तरीय ट्रांसजेंडर उत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया, तो ये अलवर में किया गया। जनवरी के करंट अफेयर में भी मैंने आपको ये पढ़ाया था, वापस बता देता हूँ, 30 नवंबर 2022 को राज्य स्तरीय जो ट्रांसजेंडर उत्सव है उसका शुभारंभ कहाँ किया गया, तो ये अलवर में किया गया, कहाँ किया गया, अलवर में किया गया। अगला क्या है, राज्य सरकार द्वारा त्रिस्तरीय जन सुनवाई व्यवस्था हेतु निर्धारित दिवस कौन सा है, तो गुरुवार, राज्य ने, राजस्थान ने गुरुवार को त्रिस्तरीय जन सुनवाई व्यवस्था के लिए गुरुवार को निर्धारित किया है, ठीक है। अगला क्या, पर्यटन विभाग राजस्थान द्वारा कुंभलगढ़ महोत्सव का आयोजन कब किया जा रहा है, तो 1 से 3 दिसंबर 2022 को किया गया था, तो पर्यटन विभाग ने जो कुंभलगढ़ महोत्सव है उसका आयोजन 1 से 3 दिसंबर के बीच में पूर्ण किया था, ठीक है, तो ये दिसंबर का है, तो उस हिसाब से अपन पढ़ रहे हैं। राजस्थान के किस जिले में मिशन आर्य के तहत समझ स्पर्श अभियान चलाया जा रहा है, तो दौसा के अंदर, आपको ध्यान रखना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अभियान है, समझ स्पर्श अभियान, जिसके अंदर बेड टच गुड टच
उनको समझाया जाता है बच्चों को, तो राजस्थान में किस जिले में मिशन आर्य के तहत समझ स्पर्श अभियान चलाया जा रहा है, तो दौसा के अंदर चलाया जा रहा है। हाल ही में राजस्थान के किस शख्सियत को मुंबई में दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड 2022 से नवाजा गया, तो ये केसी बुकाडिया थे। केसी बुकाडिया को अभी दिसंबर के अंदर ही जो मुंबई के अंदर दादा फाल्के आइकन अवार्ड है वो दिया गया था, ठीक है। अगला क्या है, महात्मा गांधी राजकीय इंग्लिश मीडियम स्कूलों में 6 जनवरी से नर्सरी LKG कक्षाओं को किस नाम से बुलाया जाएगा, तो बाल वाटिका। जो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम जो सरकारी स्कूल है वहां पर जो नर्सरी और LKG के बच्चे हैं उनकी कक्षाओं को नर्सरी और LKG की जगह बाल वाटिका के नाम से पुकारा जाएगा, ये 6 जनवरी में लागू होगा, ठीक है। अगला क्या, मुख्यमंत्री रघुवर निजी वाहन रोजगार की शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो शकुंतला रावत। शकुंतला रावत के द्वारा मुख्यमंत्री रघुवर निजी वाहन रोजगार की शुरुआत की गई थी 1 दिसंबर 2022 को बीडी कल्ला द्वारा। जो बीडी कल्ला कौन है, शिक्षा मंत्री राजस्थान के, तो 1 दिसंबर 2022 को बीडी कल्ला द्वारा राज्य स्तरीय कला उत्सव का शुभारंभ कहां पर किया गया, तो जोधपुर के अंदर किया गया, आपको ध्यान रखना है जोधपुर। अगला क्या है, पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो अवनी लेखा लेख रहा है ये, ठीक है, या आप चेंजमेंट कर लेना, तो अवनी लेख रहा है जिसको पैरा स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, जो अवनी लेख रहा है वो किस खेल से संबंधित है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ। आगे क्या है, गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए राजस्थान पुलिस द्वारा जयपुर जिले के किस अभियान की शुरुआत की गई, जो बच्चे गुम जाते हैं या जो गुमशुदा बच्चे हैं उनको तलाश के लिए जो राजस्थान पुलिस है उनको जयपुर जिले के अंदर एक अभियान की शुरुआत की गई जिसको ऑपरेशन खुशी फाइव नाम दिया गया। ऑपरेशन खुशी फाइव के नाम से एक अभियान चलाया गया जिसमें जयपुर के अंदर जो गुमशुदा बच्चे हैं उनकी तलाश की जाएगी इस ऑपरेशन के तहत। अगला क्या है, IM शक्ति उड़ान योजना के तहत राजस्थान में पहली सैनिटरी पेड यूनिट कहाँ शुरू की गई, तो सिरोही के अंदर शुरू की गई। IM शक्ति उड़ान योजना के तहत राजस्थान में पहली सैनिटरी पेड यूनिट कहाँ शुरू की गई, तो सिरोही में शुरू की गई। आपको बताना है जो एक महिला है या एक लड़की है उसको 1 महीने में कितने सैनिटरी पैड इस योजना के तहत मिलेंगे, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आपको फ्लेक्सिप योजनाओं की क्लास चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं सारी फ्लेक्सिप योजनाओं को एक जगह करके एक आधे घंटे की क्लास में निपटा दूंगा, बता देना, जरूरत हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। अगला क्या है, राजस्थान का पहला स्वचालित रोप वे, स्वचालित रोप वे के बारे में पूछा। राजस्थान के पहला रोप वे नहीं है, राजस्थान का पहला स्वचालित रोप वे अन्नपूर्णा माता रोप वे कहाँ बनाया जा रहा है, तो जो खोले के हनुमान जी का परिसर है जयपुर के अंदर, खोले के हनुमान जी मंदिर के परिसर के अंदर ये बनाया जा रहा है स्वचालित रोप वे, ठीक है। अगला क्या है, डॉक्टर ऑफ राजस्थान इंटरनेशनल से जुड़े डॉक्टर किस योजना के तहत अपने गांव में प्रशासनिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन बना देंगे, तो मेरा स्वस्थ गांव मेरी ढाणी योजना, मेरा स्वस्थ गांव मेरी ढाणी योजना के तहत जो डॉक्टर हैं वो अपने गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन बना सकते हैं, ठीक है। अगला क्या है, हाल ही में जोधपुर में स्थानीय प्रशासन के विशेष अभियान के तहत कितने पाकिस्तान विस्थापितों को भारत की नागरिकता प्रदान की गई, तो 140। जो अभी हाल ही के अंदर जोधपुर के अंदर जो स्थानीय प्रशासन था वहां पर उन्होंने एक विशेष अभियान चलाया था, और विशेष अभियान के तहत जो पाकिस्तान से भारत में बसे हुए लोग हैं उनको 140 लोगों को नागरिकता प्रदान की थी केंद्र सरकार द्वारा। राजस्थान में नया शहर कहाँ बनाया जा रहा है, तो आपको बता रामपुर कोटा, रामपुर कोटा को केंद्र सरकार है और राजस्थान का नया शहर बनाने की मुहिम चला रही है। अगला क्या है, IIT जोधपुर के द्वारा किसके सहयोग से उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा, तो DRDO। DRDO के बारे में आप अच्छे से जानते हो, नहीं जानते हो तो साइंस के अंदर आप साइंस और टेक वाला जब पोर्शन पढ़ते हो तो DRDO के बारे में अच्छे से वहां पढ़ते हो, तो आपको ध्यान रखना है IIT जोधपुर है वो DRDO के सहयोग से उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापित करने जा रही है। अगली क्या है, वर्ष 2022 के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण हेतु उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो अलवर को। अलवर को वर्ष 2022 के अंदर जो दिव्यांगजन है उनके सशक्तिकरण हेतु उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार दिया गया था। अगला क्या, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर और महिलाओं की साहित्य स्थान संभावना के द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्रीय लेखिका सम्मेलन का आयोजन कहां किया जा रहा है, तो जोधपुर के अंदर 3 और 4 दिसंबर को किया गया था। 2 दिसंबर को संत मावजी महाराज के द्वारा रचित सॉन्ग्स सागर के द्वितीय खंड शब्द सागर का विमोचन किसने किया था, तो ओम बिरला ने बांसवाड़ा में किया था। ओम बिरला के बारे में आप जानते हो, कोटा सांसद ओम बिरला है, उन्होंने बांसवाड़ा के अंदर 2 दिसंबर को जो संत मावजी महाराज के द्वारा रचित सॉन्ग सागर का द्वितीय खंड है उसका विमोचन किया था। राजस्थान के किन 2 शहरों को ट्विन सिटीज के रूप में विकसित किया जा रहा है, ट्विन सिटी का मतलब जो सेम सेम दिखते हैं जोधपुर और पाली, जो मारवाड़ का क्षेत्र है जोधपुर और पाली उनको ट्विन सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। अगला क्या है, राजस्थान सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के अवलोकन करने के लिए किस राज्य का 28 सदस्यीय प्रतिनिधि दल आया था, तो केरल के, केरल के 28 लोग आए थे जो राजस्थान में पंचायती राज विभाग के द्वारा जो भी योजनाएं संचालित हो रही है उनका अवलोकन करने के लिए आए थे। आर्मी और एयरफोर्स के ब्लैक चार्जर ब्रिगेड द्वारा महाजन फायरिंग रेंज बीकानेर में कौन सा युद्धाभ्यास किया जा रहा है, दिसंबर के अंदर कौन सा किया गया था, तो ब्लैक स्ट्राइक किया था, ब्लैक स्ट्राइक किया गया था आर्मी और एयरफोर्स ने ब्लैक चार्जर ब्रिगेड द्वारा जो महाजन फायरिंग रेंज बीकानेर के अंदर, इस पर पहले भी अभ्यास किए गए हैं जो मैंने 2 क्लासें अपलोड की उनके अंदर अच्छे से समझाया, देख लेना। 58वीं सीमा सुरक्षा बल दिवस के अवसर पर किस राष्ट्रपति
के सेवा पदक से सम्मानित किया गया किसे राष्ट्रपति के, या किस नहीं, या किसे लिखा हुआ है, किसे राष्ट्रपति के सेवा पदक से सम्मानित किया गया, तो धर्मेंद्र पारेख, जो अजमेर से धर्मेंद्र पारेख है, उनको 58वीं सीमा सुरक्षा बल दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति ने सम्मानित किया था सेवा पदक से। ठीक है, अगला क्या है, उदयपुर में आयोजित नेशनल चैंपियनशिप किसने जीती थी, तो उत्तर प्रदेश ने, उत्तर प्रदेश ने उदयपुर में आयोजित नेशनल चैंपियनशिप जीती थी। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर खादी ग्रामोद्योग वर्ष 2022 का आयोजन कब से किया जा रहा है, तो 2 दिसंबर से 12 दिसंबर तक रामलीला मैदान जयपुर है वहां पर राष्ट्रीय स्तर पर खादी ग्रामोद्योग वर्ष 2022 का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान के किस जिले में लोहे और तांबे के भंडार मिले, तो चांदगढ़ और भीलवाड़ा, जो भीलवाड़ा के अंदर चांदगढ़ नाम की जगह है वहां पर लोहे और तांबे के भंडार मिले हैं। आगे क्या, अजमेर में आनासागर झील के किनारे बने 7 अजूबे पर्यटन स्थल का शुभारंभ कब किया गया, तो 1 नवंबर 2022 को अजमेर में जो आनासागर पर 7 अजूबे बने हुए हैं, जो दुनिया के 7 इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है उनको एक जगह बनाया गया है, उनके मतलब छोटे पुतले टाइप बनाए गए हैं, तो वो 7 अजूबे हैं जिनको 7 वंडर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये अजमेर के अंदर 1 नवंबर 2022 को इनका उद्घाटन हुआ था, शुभारंभ हुआ था। इससे पहले जो 7 वंडर्स यानी 7 अजूबे कहाँ पर बने हुए, कोटा में बने हुए, आपको ध्यान रखना। अगला क्या, राजस्थान सब जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया, तो जयपुर के अंदर राजस्थान सब जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन जयपुर में किया गया। अगला क्या, अगले पे चलते हैं, राजीविका द्वारा मिशन 100C प्रोजेक्ट के अंतर्गत किन बैंकों के साथ MOU साइन किया गया, तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है, फिनो पेमेंट बैंक है, और 17 जिलों के साथ MOU साइन किया गया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, जो राजीविका द्वारा मिशन 100C प्रोजेक्ट चल रहा है उसके अंदर एक तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, एक फिनो पेमेंट बैंक, और 17 जिलों के साथ MOU साइन किया है। ठीक है, अगला क्या, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा किस तहसील को सूखाग्रस्त घोषित किया गया, तो पाली तहसील को, दिसंबर में पाली तहसील को सूखाग्रस्त घोषित किया गया था। अगला क्या, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय का कुलपति किसे बनाया गया, तो प्रोफेसर अरुण सिंह, जो प्रोफेसर अरुण सिंह है उनको स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया था। अगला क्या है, राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन प्रशिक्षण अभियान की शुरुआत कब की गई, तो 1 दिसंबर 2022 से राजस्थान में कृषि श्रमिक संबल मिशन प्रशिक्षण अभियान की शुरुआत की गई थी। अगला क्या, राजस्थान सरकार द्वारा विश्व एड्स दिवस की थीम क्या रखी गई, तो समानता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दिसंबर के अंदर राजस्थान सरकार ने जब विश्व एड्स दिवस मनाया था तो उसकी थीम रखी थी समानता, क्या रखी थी, समानता, आपको ध्यान रखना समानता। अगला क्या है, राजस्थान सरकार द्वारा विद्यार्थियों के कैरियर संबंधी मार्गदर्शन के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया, तो राजीव गांधी कैरियर पोर्टल, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान सरकार ने विद्यार्थियों को कैरियर संबंधी मार्गदर्शन देने के लिए राजीव गांधी कैरियर पोर्टल की शुरुआत की थी। हाल ही में राज्यपाल जो कलराज मिश्र रहे, उन्होंने पीस पैलेस ओम शांति मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया, तो मुरलीपुरा जयपुर के अंदर, जो राज्यपाल है कलराज मिश्र, उन्होंने पीस पैलेस ओम शांति मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया था मुरलीपुरा जयपुर के अंदर। अगला क्या है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल गोवा में राजस्थानी भाषा को किस शॉर्ट फिल्म का प्रदर्शन किया गया, जब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल गोवा में हो रहा था, तो राजस्थानी भाषा की जो वॉशिंग मशीन मूवी है, वो शॉर्ट फिल्म है वॉशिंग मशीन, उसका प्रदर्शन किया था गया था। ठीक है, हाल ही में सरदार शेर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में किसने जीत दर्ज की है, तो अनिल शर्मा, जो कांग्रेस से अनिल शर्मा है, उन्होंने वहां पर जो सरदार शहर के अंदर जो भी उपचुनाव हुए थे उनमें अनिल शर्मा जो कांग्रेस है उन्होंने विजय प्राप्त की थी, तो ये दिसंबर के अंदर हुए थे, तो ये दिसंबर के करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है, राजस्थान के किस जिले में पोटास के विपुल भंडार मिलने के संकेत मिले, पोटास कहाँ मिलने के संकेत मिले, तो बीकानेर और हनुमानगढ़, ये जो खनिज हैं उनके इतने क्वेश्चन आने का एक चक्कर है कि अभी आपने देखा होगा पिछले 5-6 महीनों से अपने खेतों पर अपने घरों पर एक हेलीकॉप्टर टाइप उड़ रहा है, वो खनिज का परीक्षण कर रहा है, तो राजस्थान के अंदर किस जिले में पोटास के विपुल भंडार मिलने के संकेत हो, तो बीकानेर और हनुमानगढ़। ठीक है, अगला क्या है, अगले पे चलते हैं, उदयपुर में आयोजित G20 के शेरपा सम्मेलन में भारत के शेरपा कौन थे, तो अमिताभ कांत थे, आप जानते हैं अमिताभ कांत थे, जो उदयपुर के अंदर G20 के शेरपा सम्मेलन हुआ था उसमें भारत के शेरपा कौन थे, अमिताभ कांत। ठीक है, अगला क्या है, अलवर में सक्षम अलवर अभियान के तहत नारी चौपाल का आयोजन कब किया जाएगा, तो 6 दिसंबर से 31 जनवरी 2023 के बीच में, आपको ध्यान रखना अलवर में भी सक्षम अभियान चल रहा है, और एक सक्षम अभियान मैंने पहले पिछली क्लास में भी बताया था जब जनवरी के अंदर पढ़ाया था, तो वो कौन से जिले में बताया था आपको बताना है, तो कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि सर ये सक्षम तो अलवर में, तो बिल्कुल एक सक्षम अलवर में भी चलता है, और अलवर में जो सक्षम अभियान चल रहा है उसके तहत जो नारी चौपाल है उसका आयोजन 6 दिसंबर से 31 जनवरी 2023 के बीच किया गया था। अगला क्या है, सेंट्रल टीवी डिवीजन के द्वारा टीवी की रोकथाम में उल्लेखनीय कार्य करने में किस राज्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूछा है, और राजस्थान को दिया गया था। ठीक है, सेंट्रल टीवी डिवीजन के द्वारा टीवी के रोकथाम में उल्लेखनीय कार्य करने पर किस राज्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड दिया गया, तो राजस्थान को, ध्यान रखना है। ईस्ट अफ्रीका में राजस्थानी संस्कृति को प्रमोट करने के लिए राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा किसे सम्मानित किया गया, तो निर्मला देवी, जो निर्मला देवी है उन्होंने उनको, जो हमारे माननीय राज्यपाल हैं कलराज मिश्र, उनको ईस्ट इंडिया अफ्रीका में राजस्थानी संस्कृति को प्रमोट करने के लिए जो राज्यपाल जी उन्होंने उनको
सम्मानित किया था। ठीक है, अगला क्या, अगले पे चलते हैं। जेल प्रशासन की श्रेणी में तिनका तिनका इंडिया अवार्ड 2022 किसे दिया गया? तो पारस जांगिड को दिया गया। जेल प्रशासन की श्रेणी में तिनका तिनका इंडिया अवार्ड 2022 किसे दिया गया? पारस जांगिड को दिया गया। अगला क्या, ग्रामीण क्षेत्र में रास्तों की भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए रास्ता खोलो अभियान किस जिले में चलाया जा रहा है? तो बीकानेर के अंदर। रास्ता खोलो अभियान कहाँ चलाया जा रहा है? बीकानेर के अंदर। रास्ता खोलो अभियान कहाँ चलाया जा रहा है? बीकानेर के अंदर। ये क्या है, जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो रास्तों की भूमि है उनको लोग दबा लेते हैं, उन पर मेड या अपनी चीजें रख देते हैं, जिससे वो रास्ते बंद से आप ब्लॉक टाइप हो जाते हैं। तो उनको हटाने के लिए रास्ता खोलो अभियान बीकानेर में शुरू किया गया, आपको ध्यान रखना है। अगला क्या है, हाल ही में जारी रैंकिंग में सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? तो प्रथम स्थान पर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। ज्योग्राफी में भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऊर्जा वाले चैप्टर में। तो हाल ही में जो रैंकिंग जारी है उसमें सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। अगला क्या, उत्तराखंड में आयोजित 48वें जूनियर पुरुष नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो ये राजस्थान ने जीता था, हरियाणा को हराया था और राजस्थान ने ये जीता था, ध्यान रखना है आपको। अगले पे चलते, अगला क्या है, नाबार्ड के द्वारा बाजरे के उत्पाद बनने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत राजस्थान के किस जिले से की गई? तो सीकर में। नाबार्ड ने बाजरे से अलग अलग उत्पाद बनाने के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया था, वो सीकर से किया गया था। अगला क्या है, 10 दिसंबर 2022 को राज्यपाल कलराज मिश्र ने कौन से विश्वविद्यालय में संविधान पार्क और नवग्रह नक्षत्र वाटिका का शिलान्यास किया था? तो जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जो जयपुर है वहां पर 10 दिसंबर 2022 को राज्यपाल कलराज मिश्र ने संविधान पार्क और नवग्रह नक्षत्र वाटिका का शिलान्यास किया था। अगला क्या है, राजस्थान के किस शहर में सबसे पहले फेस रिकॉग्निशन कैमरे लगाए जाएंगे? तो भिवाड़ी अलवर के अंदर फेस रिकॉग्निशन कैमरे लगाए जाएंगे जो आपके फेस को कैप्चर करेंगे। तो राजस्थान में किस शहर में लगाए जा रहे हैं? भिवाड़ी अलवर के अंदर, आपको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर किस एकमात्र भारतीय को ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट चैंपियनशिप अवार्ड प्रदान किया जा रहा है? तो डॉक्टर कृति भारती जो कि जोधपुर से, डॉक्टर कृति भारती हैं जो जोधपुर से, जिनको अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर जो एकमात्र भारतीय है उनको ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट चैंपियनशिप अवार्ड दिया जाएगा। अगला क्या है, और इन्होंने काम क्या किया डॉक्टर कृति भारती ने? तो उन्होंने वैश्विक स्तर पर जो 12 वाक्य कुपरता उनको मिटाने का आह्वान किया है। ठीक है, अगला क्या, जोधपुर स्थित BSF राजस्थान फ्रंटियर का IG किसे बनाया गया? तो पुनीत रस्तोगी को बनाया गया। पुनीत रस्तोगी को जोधपुर में जो BSF है उसमें राजस्थान फ्रंटियर का IG बनाया गया। ठीक है, अगला क्या, राजस्थान देश में प्रधानमंत्री कौशल योजना में किस स्थान पर है? जो देश में प्रधानमंत्री कौशल योजना चल रही है उसमें राजस्थान का स्थान कौन सा? तो प्रथम स्थान है, आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का देश में प्रधानमंत्री कौशल योजना में भी प्रथम स्थान है। अगला क्या है, अगले पे चलते हैं। बांसवाड़ा में जिला प्रशासन द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन सहित अन्य योजनाओं के भौतिक सत्यापन के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो सक्षम बांसवाड़ा अभियान चलाया जा रहा है, जो मैंने आपको पहले बताया था। अब एक बांसवाड़ा में भी चलाया जा रहा है सक्षम अभियान, जो जिला प्रशासन के द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन सहित अन्य योजनाओं के भौतिक सत्यापन के लिए अभियान चलाया जा रहा है। जिन भी पेंशनधारियों की सत्यापन नहीं हो रुका है, वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, उनका वेरिफिकेशन इस अभियान के तहत करवाया जा रहा है। इसका नाम सक्षम बांसवाड़ा अभियान रखा गया है। अगला क्या है, नोबेल शांति पुरस्कार चैलेंज 2022 प्रतियोगिताएं में राजस्थान का किसका चयन किया गया? तो आशिरा विश्वास, आशिरा विश्वास का चयन नोबेल शांति पुरस्कार चैलेंज 2022 प्रतियोगिताओं के लिए किया गया है। अगला क्या है, कोप्तगिरी सिर्फ में उत्कृष्ट कार्यों के लिए महिला श्रेणी में राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो श्यामलता गहलोत उदयपुर, ठीक है, श्यामलता गहलोत है ये, ठीक है, श्यामलता गहलोत है जो उदयपुर से, उनको कोप्तगिरी में उत्कृष्ट कार्यों के लिए महिला श्रेणी में राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्या, राजस्थान में किस रेलवे स्टेशन को ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? तो आपको ध्यान रखना है, जो रेलवे स्टेशन को दिया जा रहा है, राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? तो नागौर रेलवे स्टेशन को, जो नागौर का रेलवे स्टेशन है उसको राजस्थान के अंदर ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार दिया जाएगा, बेस्ट ऊर्जा संरक्षण वाला रेलवे स्टेशन है वो। अगला क्या है, महिला अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार द्वारा 7 दिवसीय संभाग स्तरीय अमृत होट मेले का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो बीकानेर के अंदर किया जा रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। महिला अधिकारिता विभाग है वो राजस्थान सरकार द्वारा 7 दिवसीय संभाग स्तरीय अमृता होट मेले का आयोजन बीकानेर में किया जा रहा है। अगला क्या है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण कार्य के लिए 115 करोड़ रुपये जारी किए? तो कोटा के अंदर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, मुख्यमंत्री जी ने इनकी घोषणा की थी दिसंबर में। अगला क्या है, हाल ही में आदि चित्र महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? तो जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर आदि चित्र महोत्सव का जो आयोजन है वो दिसंबर में किया गया था। हाल ही में मैसेज इंडिया वॉशिंगटन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो शगुन अग्रवाल, जो बीकानेर से शगुन अग्रवाल है, उन्होंने मैसेज इंडिया वॉशिंगटन 2022 का खिताब जीता है। ठीक है, अगला क्या, अगले पे चलते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, लग रहा है कि आप सर जो पढ़ा रहे हैं अच्छे से पढ़ा रहे हैं, सारा मैं करंट अफेयर आपको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत ही शानदार तरीके से, इससे अच्छा कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं मिल नहीं सकता। अगर आपको हमारी
ये क्लास अच्छी लग रही है तो आप चैनल को प्लीज़ लाल वाला बटन दबा के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल वाला आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी, हमें मोटिवेशन मिलेगा। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर कोई चीज़ की कमी लगती है तो कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं उसकी सुधार करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर सारी चीज़ें आपको एकदम अच्छी लग रही है, वेल डन लग रही है, तो आप मुझे कमेंट में बताना, तो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। अगला क्या, हाल ही में जयपुर में आयोजित 33वें राष्ट्रीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता में राजस्थान में कौन सा पदक जीता है, तो कांस्य पदक जीता है। जो जयपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर 33वें राष्ट्रीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता हुई थी, उसके अंदर जो राजस्थान है, जयपुर है, उसने राजस्थान है उसने कांस्य पदक जीता था। ठीक है, अगला क्या, वर्ष 2023 में जोधपुर इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कब किया जाएगा, तो 20 से 23 मार्च 2023 को जोधपुर में किया जाएगा, जिसकी घोषणा दिसंबर में की थी, इसलिए ये अपन दिसंबर के करंट अफेयर में पढ़ रहे हैं। अगला क्या है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा नॉन सहडोल फ्लाइट का सैटेलाइट तकनीक गगन से एयरक्राफ्ट उतारने का सफल परीक्षण कहां पर किया गया, तो जो किशनगढ़ एयरपोर्ट अजमेर के अंदर है, इस तकनीक का उपयोग करने वाला भारत विश्व का चौथा देश है। ठीक है, भारत विश्व का चौथा देश है। राजस्थान के अंदर किस एयरपोर्ट पर किया गया, तो किशनगढ़ एयरपोर्ट अजमेर में किया गया। ठीक है, अगला क्या है, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा, तो 13 से 15 जनवरी 2023 बीकानेर के अंदर किया जाएगा। अगला क्या, राजस्थान में बाल श्रम और बच्चों के दुर्व्यवहार पर रोकथाम के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित उच्च अधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष कौन होंगे, तो बाल अधिकारिता मंत्री होंगे। जो बाल अधिकारिता मंत्री होंगे, वो राजस्थान में बाल श्रम और बच्चों पर जो दुर्व्यवहार हो रहे हैं, उनके रोकथाम के लिए राज्य सरकार द्वारा जो उच्च अधिकार प्राप्त समिति बनाई गई है, उनके अध्यक्ष होंगे बाल अधिकारिता मंत्री। अगला क्या, राजस्थान के किस औद्योगिक क्षेत्र में डबल डेकर मालगाड़ी शुरुआत की जाएगी, तो भिवाड़ी अलवर। आपको पता है भिवाड़ी अलवर, अलवर वैसे भी उद्योगों के लिए जाना जाता है, तो राजस्थान के अंदर जो भिवाड़ी अलवर का औद्योगिक क्षेत्र है, वहां पर डबल डेकर मालगाड़ी शुरू की जाएगी। ठीक है, अगला क्या, अगले पे चलते हैं। राजस्थान लघु उद्योग निगम ने वर्ष 2021-22 में कितने करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया, तो 5.27 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया। अगला क्या है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 14 दिसंबर 2022 को राजस्थान के किस रेलवे कारखाने को ऊर्जा संरक्षण 2022 का पहला पुरस्कार दिया गया, तो अजमेर रेल कारखाना। आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो सकता है, ध्यान रखना दिसंबर के करंट अफेयर में ये बड़ा कंफ्यूजन है। अगर आपसे पूछे ना कि ऊर्जा बचाने के अंदर सबसे अच्छा रेलवे स्टेशन कौन सा था, प्रथम स्थान पर कौन सा था, तो वो था नागौर रेलवे स्टेशन। अब क्या पूछा, राजस्थान में किस रेलवे कारखाने को ऊर्जा संरक्षण 2022 का पहला पुरस्कार दिया गया, तो अजमेर रेल कारखाना है। ठीक है, यहाँ रेल कारखाने की बात की जा रही है। अगला क्या, हाल ही में चर्चित जैन तीर्थ स्थल जो समेद शिखर है, वो कहां पर स्थित है, अजमेर। मैंने सूजस के अंदर देखा था, जब दिसंबर का मैं सूजस देख रहा था, तो वहां पर जो जैन तीर्थ स्थल समेद शिखर है, वो वहां पर चर्चा का विषय था, तो वो कहां पर है, मैं आपको बता देता हूं, अजमेर में। ठीक है, वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल के छठे संस्करण का आयोजन कहां किया जा रहा है, तो उदयपुर के अंदर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल के छठे संस्करण का आयोजन अजमेर के अंदर किया जा रहा है। अगला क्या, राज्य सरकार के कार्यकाल में 4 वर्ष पूरे होने पर 4 दिवसीय राज्य स्तरीय विकास प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया, तो जवाहर कला केंद्र जयपुर में किया गया। अगला क्या, 28 मई राजस्थान आवासन मंडल कर्मचारी खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो जोधपुर के अंदर किया जा रहा है। अगला क्या है, पर्यटन मंत्रालय राजस्थान द्वारा इंडियन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट अवार्ड 2022 के तहत सिल्वर अवार्ड से किसको नवाजा गया, तो अक्षत दर्द माथुर और विपल बंसल को, दोनों को दिया गया है। पर्यटन मंत्रालय ने ये अवार्ड दिया है राजस्थान के द्वारा, जो इंडियन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट अवार्ड 2022 है, उनके तहत उनको सिल्वर अवार्ड मिला है। किन किन को, अक्षत दर्द माथुर और विपल बंसल को। अगला क्या है, अगले पे चलते हैं। जल शक्ति मंत्रालय पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत राजस्थान के किस जिले का चयन किया गया, तो सिरोही जिले का चयन किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जल शक्ति मंत्रालय पेयजल एवं स्वच्छता जो विभाग के स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चल रहा है, उसके तहत राजस्थान के जो सिरोही जिले है, उसका चयन उसमें किया गया है। अगला क्या है, महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय एवं रूपटॉप के सहयोग से चौथे जयपुर हिस्ट्री फेस्टिवल का आयोजन कहाँ आयोजित किया गया, तो आपको पता है सिटी पैलेस जयपुर के अंदर किया गया। हाल ही में कोटा की मदर टेरेसा कही जाने वाली समाज सेविका का निधन हो गया, उसका नाम क्या है, तो प्रसन्ना भंडारी। प्रसन्ना भंडारी कोटा की है और उसको कोटा की मदर टेरेसा के नाम से पुकारा जाता है। इनका भी हाल ही में दिसंबर में निधन हो गया था, तो ये दिसंबर करंट अफेयर में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना है। रोहट पाली में 4 से 10 जनवरी 2023 तक आयोजित होने वाले 18 अंतर्राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी की थीम क्या रखी गई है, शांति के साथ प्रगति। तो इसके अंदर दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो रोहट पाली के अंदर 4 से 10 जनवरी 2023 के बीच में 18वीं अंतर्राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन किया गया था, जिसकी थीम रखी गई थी शांति के साथ प्रगति। क्या रखी गई थी, शांति के साथ प्रगति। अगला क्या, अगले पे चलते हैं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से जुड़ी सूचनाएं एवं जानकारियों के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किस ऐप को लॉन्च किया गया, तो सूजस मोबाइल ऐप। आपको पता है वैसे सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की एक पत्रिका आती है मासिक, जिसका नाम है सूजस। ठीक है, उसी प्रकार उसको ऑनलाइन एक ऐप के माध्यम से लॉन्च किया गया, जिसका नाम भी यही रखा गया है, सूजस मोबाइल ऐप। अगला क्या है, संस्कृति युवा संस्थान जयपुर द्वारा वर्ल्ड हेल्थ
बैलेंस फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया? तो जयपुर के अंदर किया गया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत वर्ष 2021-22 में प्रशिक्षण पाने वालों में राजस्थान किस स्थान पर रहा? तो पांचवें स्थान पर रहा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 2021-22 के अंदर जिन जिन लोगों का प्रशिक्षण हुआ उन लोगों की संख्या देखी जाए तो राजस्थान का उसमें पांचवा स्थान रहा है। राजस्थान के कितने ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना की जाएगी? तो 227। राजस्थान के 227 ग्राम सेवा सहकारी समिति के केंद्र है जहां पर कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना की जाएगी। अगला क्या है, अगले पे चलते हैं। ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा किस होटल को बिल्डिंग होटल श्रेणी में राजस्थान एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2022 दिया गया? तो रामबाग पैलेस जयपुर में। आपको तीन चीजें बताई मैंने, एक तो अजमेर में बताया है, वहां पर तो मैंने बताया जो रेल बनने का कारखाना है वहां पर ऊर्जा का सबसे ज्यादा संरक्षण हुआ है, उनको अवार्ड मिला है। एक आपको मैंने रेलवे स्टेशन बताया, वो नागौर बताया था, और एक मैं आपको होटल बता रहा हूँ। ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा किस होटल को बिल्डिंग होटल श्रेणी में राजस्थान एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2022 दिया गया? तो रामबाग पैलेस जयपुर में। हाल ही में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को हाउसिंग श्रेणी में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए कौन सा अवार्ड दिया गया? तो स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया। ठीक है, स्कॉच गोल्ड अवार्ड है वो किसको दिया गया? तो हाउसिंग बोर्ड को दिया गया, हाउसिंग जो सरणी है उसमें उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उनको स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया। महिला एवं बाल विकास सरणी में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना को कौन सा अवार्ड दिया गया? तो स्कॉच सिल्वर अवार्ड। तो स्कॉच सिल्वर अवार्ड तो इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना को दिया गया, और जो हाउसिंग बोर्ड है उसको स्कॉच गोल्डन अवार्ड दिया गया क्योंकि उन्होंने हाउसिंग सरणी में उत्कृष्ट कार्य किया था। अगला क्या है, महिला सशक्तिकरण के लिए राजस्थान के किस जिले में जैसान शक्ति कार्यक्रम शुरू किया? तो जैसान शक्ति कार्यक्रम दिसंबर में जैसलमेर में शुरू हुआ था। जैसलमेर को अपन जैसाना बोलते हैं और वही जैसान शक्ति है, आप जान गए होंगे। अगला क्या है, जयपुर हाईकोर्ट बेंच में इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन विद विजय प्रोग्राम की लॉन्चिंग किसके द्वारा की गई थी? तो पंकज मित्तल के द्वारा। आपको पता है पंकज मित्तल राजस्थान में क्या है क्या नहीं है, कमेंट बॉक्स में बताना, बाकी को पता चल जाएगा। देश का पहला बीएसएफ थीम पार्क कहाँ बनाया गया? तो बीएसएम जो थीम पार्क है वो जैसलमेर के अंदर बनाया गया। आपको पता है दुर्बल बीमारियों से ग्रस्त बच्चों और वयस्कों के लिए क्राउड फंडिंग के लिए किस सरकार ने किस पोर्टल को लॉन्च किया? जो दुर्बल बीमारियों से जो ग्रसित बच्चे हैं या कोई वयस्क है उनके लिए क्राउड फंडिंग यानी लोगों से पैसा जमा करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक पोर्टल बनाया, वो कौन सा पोर्टल है? तो राज संबल पोर्टल है, उस पोर्टल का नाम रखा गया है राज संबल पोर्टल। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, 21 से 30 दिसंबर 2022 तक शिल्प ग्राम उदयपुर में शिल्प ग्राम उत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के द्वारा, और उसका उद्घाटन करता कौन है? आपको पता है राज्यपाल होते हैं, और राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। तो आपको ध्यान रखना है 21 से 30 दिसंबर 2022 तक शिल्प ग्राम जो उदयपुर है उसके अंदर जो शिल्प ग्राम उत्सव उसका आयोजन किसने किया था? पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक जो केंद्र है उदयपुर उसके द्वारा किया गया था, और उसके उद्घाटन करता थे राज्यपाल कलराज मिश्र। आपको एक फैक्ट बता देता हूँ, जो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है उनके मुख्य भी राज्यपाल ही होते हैं। अगला क्या है, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के द्वारा 30वीं दीक्षांत समारोह में किस भारतीय पैरा ओलंपिक खिलाड़ी को डीलिट की उपाधि प्रदान की गई थी? तो देवेंद्र झांझड़िया। देवेंद्र झांझड़िया किस खेल से संबंधित है कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ। अगला क्या है, 19 दिसंबर 2022 को किसे 1971 के लोंगेवाला युद्ध के नायक का निधन हो गया था? तो आपको पता है 19 दिसंबर 2022 को ये सोशल मीडिया पर बहुत चर्चित रहे थे जिनका 1971 के अंदर जो लोंगेवाला युद्ध हुआ था उनके वो नायक रहे थे भैरव सिंह राठौड़, शेरगढ़ जोधपुर के हैं, शेरगढ़ जोधपुर के भैरव सिंह राठौड़ हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राजस्थान के किस संस्थान को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रेड दिवस घोषित किया था? तो एम्स जोधपुर को। अगला क्या है, मटेरियल्स रिसर्च एवं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो आईआईटी जोधपुर में किया जा रहा है। राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल 2023 के लिए पोर्टल का शुभारंभ किसने किया था? तो अशोक चांदना जो कि खेल मंत्री, उन्होंने राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल 2023 के लिए पोर्टल का शुभारंभ किया था। अगला क्या है, इसके तहत कुल 7 जो अपने राजीव गांधी खेल है ना, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, राजीव गांधी जो शहरी ओलंपिक हुए थे ना उसके अंदर 7 खेल आयोजित थे, कौन कौन से थे पूछ सकते हैं, कौन सा नहीं था? तो आपको ध्यान रखना, एक तो कबड्डी था, एक टेनिस बॉल क्रिकेट थी, एक वॉलीबॉल थी, एक फुटबॉल थी, एक बास्केटबॉल थी, एक एथलेटिक्स थी, और एक खो खो थी, एथलेटिक्स और खो खो। ठीक है, ध्यान रखना है। जयपुर एयरपोर्ट के बाद राजस्थान के किन दो एयरपोर्टों को निजी फर्म को दिया जाएगा? तो उदयपुर एयरपोर्ट और जोधपुर एयरपोर्ट, जो उदयपुर एयरपोर्ट और जोधपुर एयरपोर्ट है उनको भी अब निजी हाथों में दिया जाएगा, निजी फर्मों को दिया जाएगा। अगला क्या, पशुओं के हरे चारे के रूप में काम आने वाला हरे रंग का शैवाल कौन सा है? तो एजोला है, वो पशुओं के चारे के रूप में काम आता है, हरे चारे के रूप में शैवाल एक प्रकार का। हाल ही में जो गैस त्रासदी के कारण चर्चित भूंगरा गांव है राजस्थान के किस जिले में? तो जोधपुर के अंदर है, दिसंबर के अंदर वहां पर एक भयंकर गैस त्रासदी हुई थी, एक कोई विवाह का समारोह चल रहा था जिसके अंदर कोई एक गैस सिलेंडर फटने की वजह से बहुत ही खतरनाक त्रासदी हुई थी। तो हाल ही में गैस त्रासदी के कारण चर्चित भूंगरा गांव राजस्थान के किस जिले में? तो जोधपुर जिले का। हाल ही में
पोर्ट्रेट आर्टिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? तो ऋषिका करोली, जो ऋषिका है करोली से, ऋषिका करोली को पोर्ट्रेट आर्टिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? केंद्रीय साहित्यिक अकादमी नई दिल्ली द्वारा राजस्थानी भाषा का सर्वोच्च पुरस्कार 2022 में किसे दिया जाएगा? तो कमल रंगा बीकानेर। ठीक है, जो कमल रंगा बीकानेर है उनको केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा राजस्थानी भाषा का सर्वोच्च पुरस्कार 2022 दिया जाएगा। अगला क्या है? राजस्थान का पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? तो सज्जनगढ़ अभयारण्य उदयपुर के अंदर, जो सज्जनगढ़ अभयारण्य उदयपुर है वहां पर राजस्थान का पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर बनाया जाएगा। अगला क्या है? अगले पे चलते हैं। 22 दिसंबर 2022 को राजस्थान लोक सेवा आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 74वां। आपको सबसे पहले तो ध्यान रखना, राजस्थान लोक सेवा आयोग का स्थापना दिवस कब आता है? 22 दिसंबर को आता है। और जो 22 दिसंबर 2022 थी उस टाइम जो लोक सेवा आयोग है उनको 74 साल स्टेब्लिश हुए हो गए थे, तो 74वां स्थापना दिवस मनाया गया था। अगला क्या? शिल्प ग्राम उत्सव उदयपुर में डॉक्टर कमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? तो दिलीप भट्ट जयपुर एवं भगवान दास पटेल अहमदाबाद। तो दिलीप भट्ट जयपुर से हैं, भगवान दास पटेल अहमदाबाद से, दोनों को शिल्प ग्राम उत्सव के अंदर, उदयपुर के अंदर जो शिल्प ग्राम उत्सव हुआ था उसमें डॉक्टर कमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया था। अगला क्या है? 18वीं जयपुर ज्वेलरी शो का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो JECC जयपुर, JECC कॉलेज है जयपुर के अंदर, वहां पर 18वीं जयपुर ज्वेलरी शो का आयोजन किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? इसके आगे है केंद्रीय साहित्य अकादमी के द्वारा राजस्थानी भाषा का अनुवाद पुरस्कार 2022 किसे दिया जाएगा? तो मदन गोपाल लड्डा को उनकी कृति अखूट तसलों के लिए। यह गुजराती उपन्यास है जो अखो प्रांत का राजस्थानी अनुवादन है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है केंद्रीय साहित्यिक अकादमी के द्वारा राजस्थानी भाषा का अनुवाद पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? मदन गोपाल लड्डा को। ठीक है, अगला क्या है? हाल ही में एंडोक्राइन सोसाइटी ऑफ इंडिया की 91वीं एनुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो बिरला ऑडिटोरियम जयपुर के अंदर। ठीक है, जो एंडोक्राइन सोसाइटी ऑफ इंडिया है उसकी 91वीं एनुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, और वो कहाँ किया गया था? बिरला ऑडिटोरियम जयपुर। IIM शक्ति उड़ान योजना के तहत राज्य सरकार के द्वारा किशोरियों और महिलाओं को प्रति महीने कितने सैनिटरी पैड निःशुल्क दिए जाएंगे? तो 12 सैनिटरी पैड निःशुल्क दिए जाएंगे। मुझे आप पे विश्वास था, आप कमेंट करोगे नहीं, तो मैंने ही आगे बता दिया है। आगे चलते हैं। क्या? राज्य सरकार द्वारा प्रियदर्शनी इंदिरा महिला शक्ति निधि का गठन कितने रुपये से किया गया? तो 1000 करोड़ रुपये। 1000 करोड़ रुपये से राज्य सरकार ने प्रियदर्शनी इंदिरा महिला शक्ति निधि का गठन किया था। ठीक है, हाल ही में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो वैभव गहलोत को बनाया गया। ये दूसरी बार बने, पिछली बार भी यही थे, अशोक गहलोत के बेटे हैं वैभव गहलोत, जिनको राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया। अगला क्या है? जयपुर ज्वेलरी शो में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो आपको पता है जयपुर ज्वेलरी शो कहाँ पर हुआ था? JECC जयपुर के अंदर हुआ था, और इसके अंदर जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो विमल चंद सुराणा को दिया गया था। इंपॉर्टेंट है। 23 दिसंबर से 1 जनवरी 2023 तक जयपुर में राष्ट्रीय अमृता हार्ट का आयोजन कहाँ किया गया? तो जवाहर कला केंद्र के शिल्प ग्राम में किया गया था। 23 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक जयपुर के अंदर राष्ट्रीय अमृता हार्ट का आयोजन किया गया था। अगला क्या? राजस्थान के चर्चित खिलाड़ी शालिनी पाठक का संबंध किस खेल से? तो कबड्डी से संबंधित है शालिनी पाठक, आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, खिलाड़ियों में ये पूछ सकती है। ठीक है, भारत में पहली बार किस संस्था द्वारा निःशुल्क फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया? तो IIM उदयपुर, IIM उदयपुर के द्वारा भारत में पहली बार निःशुल्क फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। आगे क्या है? ऑनलैंड क्षेत्र में खनिज तेल उत्पादन में राजस्थान देश में किस स्थान पर है? ऑनलैंड का मतलब है केवल जमीन पर, पानी में नहीं। ऑनलैंड क्षेत्र में खनिज तेल उत्पादन में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। 25 दिसंबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक साथ कितनी 108 एम्बुलेंस का लोकार्पण किया था? तो 167 नई एम्बुलेंस 25 दिसंबर को राज्य को समर्पित की थी अशोक गहलोत ने। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा गरीब परिवारों को कब से LPG सिलेंडर 500 रुपये प्रति यूनिट से दिए जाने की घोषणा की है? तो 1 अप्रैल 2023 से, और इसकी बजट में भी घोषणा कर दी है। मैं भी बाल सरपंच अभियान के तहत राज्य स्तरीय बाल सरपंच अधिवेशन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो जयपुर के अंदर किया गया। मैं भी बाल सरपंच अभियान है उसके तहत राज्य स्तरीय जो बाल सरपंच अधिवेशन है उसका आयोजन जयपुर में किया गया। ठीक है, अगला क्या है? वित्तीय वर्ष 2021-22 में आर्थिक विकास दर के मामले में राजस्थान देश में किस स्थान पर रहा? तो दूसरे स्थान पर रहा 11.04 की विकास दर के साथ। दिसंबर 2022 के अंदर दिसंबर में डाटा आए थे कि वित्तीय वर्ष जो 21-22 का गया है उसमें आर्थिक विकास दर के मामले में राजस्थान देश के अंदर कहाँ पर है? तो राजस्थान ने अच्छी परफॉर्मेंस दी और दूसरे स्थान पर है। आगे चलते हैं। आगे क्या? मध्य प्रदेश द्वारा राजस्थान सरकार को डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए कौन सा अवार्ड दिया गया? तो इफेक्टिव गवर्नमेंट कम्युनिकेशन अवार्ड। जो मध्य प्रदेश सरकार है उसने राजस्थान सरकार को डिजिटल मीडिया के क्षेत्र के अंदर जन कल्याणकारी जो योजनाएं थी उनको आम जन तक पहुंचाने के लिए एक अवार्ड दिया था जिसका नाम है इफेक्टिव गवर्नमेंट कम्युनिकेशन अवार्ड। ठीक है, किस सरकार ने दिया था? मध्य प्रदेश सरकार ने। किसको दिया था? राजस्थान सरकार को। अगला क्या है?
राजस्थान के किस जिले में स्ट्रेस सिटी पार्क बनाया जा रहा है? तो कोटा जिले के अंदर। वो सिटी पार्क कहाँ बना है? अगर सीधा सीधा सिटी पार्क पूछ ले, सिटी पार्क कहाँ है, तो मानसरोवर जयपुर के अंदर है। अगला क्या है? थाईलैंड में आयोजित 39वीं अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल किसने जीता? तो प्रिया सिंह बीकानेर। जो प्रिया सिंह बीकानेर है, उसने थाईलैंड में जो 39वीं अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता हुई थी उसके अंदर गोल्ड मेडल जीता था। अगला क्या है? जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के 16वें संस्करण का आयोजन कब किया जाएगा? तो 19 से 23 जनवरी 2023 के बीच में किया जाएगा। आगे क्या है? राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के युवाओं के विदेशों में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए कौन सी योजना चलाएगी? तो आपको बताया, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना चलाएगी। इसके तहत 200 विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा हर साल और महिला विद्यार्थियों के लिए 30% की सीटें आरक्षित की गई थी। अगला क्या है? 15वीं राष्ट्रीय सब जूनियर बालक एवं बालिका रोल बॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया था? रोल बॉल प्रतियोगिता का आयोजन, जो 15वीं राष्ट्रीय सब जूनियर बालक और बालिकाओं की रोल बॉल प्रतियोगिता थी, वो एसएमएस स्टेडियम जयपुर में पूर्ण हुई थी। कहाँ हुई थी? एसएमएस स्टेडियम जयपुर में। अगला क्या है? शरद महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो माउंट आबू सिरोही के अंदर, माउंट आबू सिरोही में शरद महोत्सव 2022 का आयोजन किया जाएगा। अगला क्या? हाल ही में राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति 2020 में कार्यशाला रिपोर्ट का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो जाहिद खान के द्वारा। जाहिद खान के द्वारा राष्ट्रीय की जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है 2020, उसके कार्यशाला पोर्टल का विमोचन किया गया है। जिंदल अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट कहाँ पर वेस्ट तो एनर्जी प्लांट लगाया जाएगा? तो लंगड़ी आवास जयपुर के अंदर, जो अपने जयपुर का जो वेस्ट है उस वेस्ट को वहां पर ले जाएंगे और उस वेस्ट को टो एनर्जी प्लांट लगाएंगे, उनसे एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। तो कहां पर लगाई जाएगी? वो लंगड़ी आवास जयपुर के अंदर। हाल ही में विमोचन राजस्थानी पुस्तक उम्रदान लालस के रचनाकार कौन थे? तो डॉक्टर गज सिंह राजपुरोहित। डॉक्टर गज सिंह राजपुरोहित की पुस्तक है कौन सी? उम्रदान लालस। ठीक है, अगले क्या है? हाल ही में राष्ट्रीय अटल सम्मान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो अनुज माथुर को। अनुज माथुर को हाल ही में अटल सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो राजस्थान के। अगला क्या है? हाल ही में टाटा पावर का स्वतंत्र डायरेक्टर किसे बनाया गया? तो राजीव मेसरी को बनाया गया, जो पूर्व मुख्य सचिव रहे हैं राजस्थान को, उनको हाल ही में जो टाटा पावर है उनका स्वतंत्र डायरेक्टर नियुक्त किया गया था। ध्यान रखना है, हाल ही में वुमेन इकोनॉमिक्स फोरम की ओर से लीडर ऑफ डिकेड सम्मान से राजस्थान सरकार के किस मंत्री को नवाजा गया? तो अशोक चांदना, जो खेल मंत्री है, उनको वुमेन इकोनॉमिक फोरम की ओर से लीडर ऑफ डिकेड सम्मान से राजस्थान सरकार के जो मंत्री है उनको नवाजा गया था, जिनका नाम है अशोक चांदना। ठीक है, खेल मंत्री आप जानते हो। कर्मचारी संगठनों की मांगों के अध्ययन और विश्लेषण के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई? तो खेमराज चौधरी। खेमराज चौधरी की अध्यक्षता में कर्मचारी संगठनों की मांगों के अध्ययन और विश्लेषण के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। अगला क्या? सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो प्रिया सिंह मेघवाल। प्रिया सिंह मेघवाल को सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, चलिए, ये दिसंबर का करंट अफेयर है। बात करते हैं जनवरी के करंट अफेयर पे। ये है जनवरी का करंट अफेयर, इसके बाद अपना पिछले 6 महीने का करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा और अपन इसके आगे चर्चा करेंगे। जब फरवरी का करंट अफेयर आएगा, मार्च, अपन मार्च में ये वीडियो आपको दे रहा हूँ 1 मार्च को, तो फरवरी का करंट अफेयर भी 1-2 दिन के अंदर मैं अपलोड कर दूंगा, तो LDC में वहीं तक आएगा। इसके आगे मैं आपको हर महीने के करंट अफेयर की क्लास इस यूट्यूब चैनल पर देता रहूंगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, कमेंट कर देना और बेल आइकन दबा देना, जिससे हर महीने का करंट अफेयर मिलता रहेगा और छोटी छोटी क्लासों में अपडेट मिलता रहेगा। चलिए अब पढ़ते हैं अपन दिसंबर जनवरी का करंट अफेयर, जनवरी 2023 का करंट अफेयर पढ़ते हैं दिसंबर का पढ़ने के बाद। मारो स्वस्थ गांव मारी ढाणी योजना कहाँ से प्रारंभ की गई? तो ये नागौर से प्रारंभ की गई। मारो स्वस्थ गांव मारी ढाणी योजना नागौर से प्रारंभ की गई। मेरा विद्यालय मेरा अभियान जालौर से प्रारंभ किया गया। मेरा विद्यालय मेरा अभियान जालौर में चल रहा है। मारो गांव मारी ढाणी योजना नागौर में चल रही है। ठीक है, शाहबाद तलहटी कंजर्वेशन रिजर्वे है 12 के अंदर, 17वां कंजर्वेशन रिजर्वे है, जो पहले 20 कंजर्वेशन रिजर्वे थे, अभी एक जयपुर के अंदर और बनाया जालाना के अंदर, तो 21 कंजर्वेशन रिजर्वे हो गए। 21 की 21 लिस्ट के साथ मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना के 5 मिनट का अपने इस यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है, तो जाके देख लेना। ठीक है, बीड घास फुलिया खुर्द कंजर्वेशन रिजर्वे कहाँ स्थित है? तो भीलवाड़ा के अंदर है, 18वें नंबर का। बीड घास फुलिया खुर्द कंजर्वेशन रिजर्वे कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में, 18वें नंबर का। बाघ दर्रा क्रोकोडाइल कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ स्थित है? उदयपुर में, 19वें नंबर का। वाड़ाखेड़ा कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ स्थित है? सिरोही में, 20वें नंबर का। और 21वें नंबर का भी बन गया है, वो भी मैंने अपडेट कर दिया है, तो आप जाके अपने यूट्यूब चैनल पे देख लेना। यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, वहाँ जियोग्राफी वाला पोर्शन खोलना, वहाँ पर आपको राजस्थान के कंजर्वेशन रिजर्व मिल जाएंगे, तो वो कंजर्वेशन रिजर्व वाले क्लास देख लेना। उसमें जो भी 21 कंजर्वेशन रिजर्व है उनके कब बना, कौन सा और कहाँ पर है, तो वो सारी चीज़ें लिख रखी है, और नया वाला भी अपडेट कर रखा है। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान में 4 व्यक्तियों को 3 पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। राजस्थान के 4 व्यक्ति हैं जिनको 3 पद्मश्री पुरस्कार दिए जाएंगे, यानी 2 को 7 दिया जाएगा, बाकी सबको 1-1 दिया जाएगा। मोहम्मद हुसैन व अहमद हुसैन जयपुर को संयुक्त रूप से पद्मश्री दिया गया है। श्री लक्ष्मण सिंह जयपुर के, इनको पद्मश्री दिया गया है।
मूलचंद लोढ़ा जो डूंगरपुर के, इनको पद्मश्री दिया गया। ठीक है, तो चारों का नाम ध्यान रखना, मोहम्मद हुसैन और अहमद हुसैन को तो संयुक्त रूप से दिया गया, लक्ष्मण सिंह जयपुर को पद्मश्री मिला है, मूलचंद लोढ़ा डूंगरपुर से उनको भी पद्मश्री मिला है। 28 जनवरी 2023 को देवनारायण जन्मोत्सव पर देश के प्रधानमंत्री राज्य के किस जिले में आए थे, तो आसंद भीलवाड़ा के अंदर आए थे। 28 जनवरी 2023 को देवनारायण जी के जन्म उत्सव पर देश के प्रधानमंत्री आसंद भीलवाड़ा में आए थे। भीलवाड़ा महोत्सव का आयोजन हाल ही में कब किया गया, तो 12 से 14 जनवरी 2023 को भीलवाड़ा महोत्सव का आयोजन किया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नीति आयोग द्वारा संचालित अक्षांशी जिला कार्यक्रम में राज्य के किस जिले ने दूसरा स्थान प्राप्त किया, तो जैसलमेर ने। नीति आयोग द्वारा जब अक्षांशी जिला कार्यक्रम चलाया गया तो राज्य के जैसलमेर जिले ने उसमें दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इसके आगे चलते, आगे क्या, जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए सक्षम अभियान किस जिले में चलाया जा रहा है, बांसवाड़ा में एक सक्षम अभियान, अलवर में भी चलाया जा रहा है। फालतू कमेंट मत करना, पहले उसको क्रॉस चेक कर लेना। तो जन कल्याणकारी योजनाओं को लाभ देने के लिए सक्षम अभियान किस जिले में चलाया जा रहा है, तो बांसवाड़ा के अंदर भी चलाया जा रहा है। पालनहार योजना से वंचित लोगों को जोड़ने के लिए मिशन पालनहार का शुभारंभ किस जिले से प्रारंभ किया गया, तो डूंगरपुर जिले से मिशन पालनहार का शुभारंभ किया गया। ध्यान रखना है, पालनहार योजना में वंचित लोगों को जोड़ने के लिए मिशन पालनहार का शुभारंभ किस जिले से किया गया, तो डूंगरपुर जिले से किया गया। 3 जनवरी 2023 को राजभवन जयपुर में संविधान पार्क का लोकार्पण हाल ही में किसके द्वारा किया गया, तो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 3 जनवरी 2023 को राजभवन जयपुर में संविधान पार्क का लोकार्पण किया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। राजस्थान साहित्यिक अकादमी उदयपुर में महिला उपाध्यक्ष कौन बनी है, तो डॉक्टर सुनीता गोगरा को राजस्थान साहित्यिक अकादमी उदयपुर की महिला उपाध्यक्ष बनाया गया है। जितनी भी यहाँ पर अकादमी है उनके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, उनकी क्लास कल आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, अक्षांशी जिला कार्यक्रम की नवंबर माह की रैंकिंग में राज्य में किस जिले ने दूसरा स्थान प्राप्त किया, तो जैसलमेर ने। अक्षांशी जिला कार्यक्रम की नवंबर माह की रैंकिंग में राज्य के किस जिले ने दूसरा स्थान प्राप्त किया, तो जैसलमेर ने। हाल ही में किस लोक देवता की 1111वीं जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया, तो देवनारायण जी की 1111वीं जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया। ठीक है, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत फरवरी 2013 से सप्ताह में किन 2 दिनों बच्चों को दूध पिलाया जाएगा, तो बुधवार और शुक्रवार को। आगे चलते, आगे क्या, राजस्थान के किन वीर शहीदों के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप का नाम रखा गया, तो मेजर शैतान सिंह और मेजर पीरू सिंह, जो दोनों ही राजस्थान से संबंधित है, और इन दोनों के नाम पर अंडमान और निकोबार द्वीप के अंदर कुछ छोटे छोटे तो द्वीप बने हुए, उनके नाम रखे गए। ठीक है, भारत और मिस्र के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट किस जिले में आयोजित किया गया, जैसलमेर के अंदर। तो सारे अभियान वहां मैंने पढ़ा रखे हैं, तो वहां ये भी पढ़ा रखा है। मुश्किल से 10-12 है, 5-7 मिनट का वीडियो है, देख लेना किन किन देशों के बीच और कहां पर हुआ, वो मैंने सारी करवा रखे, तो वो देख लेना एक वीडियो। ठीक है, 21 से 28 जनवरी 2023 को BSF द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया, तो ऑपरेशन सरदवा चलाया गया, BSF के द्वारा चलाया गया 21 से 28 फरवरी के बीच में, वह भी यहाँ पर मैंने करवा रखा है। ठीक है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राज्य स्तरीय जनजाति खेलकूद प्रतियोगिता शुभारंभ कहां से किया गया, तो उदयपुर। ध्यान रखना है, मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने राज्य स्तरीय जनजाति खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ उदयपुर से किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा हाल ही में किन शहरों में 5G इंटरनेट सेवा शुरुआत की गई, तो जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। जयपुर, जोधपुर और उदयपुर के अंदर मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत द्वारा हाल ही में 5G इंटरनेट सेवा की शुरुआत की गई। राजस्थान की पहली आत्मनिर्भर पुलिस लाइन कहां बनाई गई, तो राजसमंद के अंदर राजस्थान की पहली आत्मनिर्भर पुलिस लाइन बनाई गई। ठीक है, हाल ही में राजस्थान विश्वविद्यालय में कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, तो 77वां स्थापना दिवस मनाया गया था अभी राजस्थान विश्वविद्यालय का। 28 जनवरी 2023 को राजस्थान साहित्यिक अकादमी उदयपुर की स्थापना दिवस पर कितने साहित्यकारों ने अमृत सम्मान दिया गया, तो 8 साहित्यकारों को अमृत सम्मान पुरस्कार दिया गया था 28 जनवरी 2023 को। ठीक है, हाल ही में राजस्थान के किस शिक्षक को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक फेलोशिप के लिए चुना गया था, तो मोहम्मद इमरान खान मेवाती, जो मोहम्मद इमरान खान मेवाती है, उनको हाल ही में राजस्थान में जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक फेलोशिप है उनके लिए चुना गया था। केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय द्वारा साड़ियों के उत्सव में विरासत है, तो राजस्थान की किस प्रसिद्ध साड़ी को शामिल किया गया, तो राजस्थान की एक ही साड़ी प्रसिद्ध है, कोटा डोरिया की साड़ी है, जो कैथुन कोटा की प्रसिद्ध है। 8 से 10 फरवरी 2023 को आदर्श तहसील निर्माण कार्यशाला का आयोजन कहां पर किया जाना प्रस्तावित है, तो अजमेर के अंदर। ये फरवरी के अंदर कर दिया गया, फरवरी के करंट अफेयर में बता दूंगा। इसके अलावा फरवरी की 1-15-20 मिनट की 1 महीने का पूरा करंट अफेयर एक साथ में आपको करवा दूंगा। जैसलमेर पंजाब केसरी के रूप में प्रसिद्ध जैन आचार्य विजय वल्लभ सूरीश्वर की जयंती पर भारत सरकार द्वारा कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया, तो 150 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया था। ठीक है, आगे चलते, हाल ही में किस जिला प्रशासन द्वारा मिशन पालनहार शुरू किया गया, तो डूंगरपुर के द्वारा मिशन पालनहार शुरू किया गया, ये मैंने आपको दिसंबर के करंट अफेयर में ही पढ़ाया था। 8वें महाकवि कन्हैयालाल सेठिया की कविता अवार्ड किसे प्रदान किया गया, जो 8वें महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता अवार्ड है वो किसको दिया गया, तो के सचिनानंद को दिया गया। के सचिनानंद को 8वें महाकवि कन्हैयालाल सेठिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। 13 से 15 जनवरी 2023 को, सॉरी 13 से 15 जनवरी 2023 को अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो बीकानेर के अंदर। बोलते बोलते गला ही दर्द करने लग गया, अब तो उल्टा सीधा बोला जा रहा है, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी रहेंगे आपके। 13 से 15 जनवरी 2023 को अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, बीकानेर के अंदर। मिस्टर बिकान उसमें किसको चुना गया, जब 13 से 15 जनवरी 2023 को अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन किया गया था, तो उसमें मिस्टर बिकाना किसको चुना गया था, तो रविंद्र जोशी को चुना गया था। मिस मरवण किसको चुना गया, तो कोमल सिद्ध को। दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मिस्टर बिकाना रविंद्र जोशी को, मिस मरवण कोमल सिद्ध को।
15 जनवरी 2023 को हर घर पंचायत अभियान का शुभारंभ कहां से किया गया? तो पूनकर गांव अलवर, टीकाराम जूली के द्वारा पूनकर गांव अलवर से 15 जनवरी 2023 को हर घर पंचायत अभियान का शुभारंभ किया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अपशिष्ट प्लास्टिक से सड़क बनाने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। अपशिष्ट प्लास्टिक से सड़क बनाने में राजस्थान चौथे स्थान पर है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना में बच्चों को सप्ताह के 2 दिन अर्थात मंगलवार और शुक्रवार को मिल्क पाउडर उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसे अब मंगलवार के स्थान पर बुधवार किया गया है। ठीक है, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना में महिलाओं के दूसरी संतान होने पर 3 किस्तों में 6,000 रुपये का भुगतान होगा। ये 8,000 वाला ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ये गलत टाइप हुआ है। तो जो इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना है उसके अंदर जो महिलाओं की जब दूसरी संतान होगी तो 3 किस्तों के अंदर 6,000 रुपये दिए जाएंगे। इको टूरिज्म नीति कब जारी की गई? तो जुलाई 2021 के अंदर इको टूरिज्म नीति लागू की गई। ठीक है, सितंबर 2022 में आयोजित राजस्थान फिल्म फेस्टिवल के 10वें संस्करण में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो संजय मिश्रा को प्रदान किया गया। किसको? संजय मिश्रा को। बेस्ट फिल्म अवार्ड कौन सी थी? तो संघनाद को बेस्ट फिल्म अवार्ड दिया गया। बेस्ट एक्टर श्रवण सागर को चुना गया। नवनिर्मित नीमच माता मंदिर रोपवे का संबंध किस जिले से? तो उदयपुर से। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नवनिर्मित नीमच माता मंदिर रोपवे का संबंध किस जिले से? तो उदयपुर जिले से। आगे चलते, आगे क्या है? हाल ही में राजस्थान राज्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो एम एल लाठर को राजस्थान राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया। वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो डीबी गुप्ता है, जो वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त है। वर्तमान में कौन से पद पर कौन सा पदाधिकारी है, उसकी एक क्लास मैंने ऑलरेडी बना रखी है, 5-7 मिनट की क्लास है, देख लेना। सारे जितने भी आयोग है उनके वर्तमान अध्यक्ष कौन है वो आपको पता चल जाए। जितने भी आयोगों के आयुक्त और जो भी उपायुक्त है वो सारे वहां पर मैंने एक जगह आपको बता दिए हैं। राज्य सूचना आयोग का गठन 18 अप्रैल 2006 को हुआ था। हाल ही में किस अभियान में बाघ T57 की मृत्यु हो गई थी? तो रणथंभौर अभियान के अंदर बाघ T57 की मृत्यु हो गई थी। पर्यटन विभाग राजस्थान द्वारा हवामहल फेस्टिवल का आयोजन कब किया गया? तो 15 जनवरी 2023 को पर्यटन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा हवामहल फेस्टिवल का आयोजन किया गया। फरवरी 2023 को आयोजित होने वाले राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड किसे दिया जाएगा? तो राज बंसल को दिया गया। ये फरवरी के अंदर हो गया है और राज बंसल को प्राइड ऑफ राजस्थान का अवार्ड दिया गया। ठीक है, वो आपको फरवरी के करंट अफेयर में अच्छे से पढ़ा दूंगा। राजस्थान से 4 व्यक्तित्व को 3 पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। मैं आपको पढ़ा दिया, ये स्लाइड वापस आ गई है गलती से। आगे चलते हैं, प्रधानमंत्री जी किस जिले में आए थे? तो ये भी मैंने बता दिया, आसीन भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा महोत्सव का आयोजन 12 से 14 जनवरी 2023 को हुआ था। नीति आयोग द्वारा संचालित अक्षांश जिला कार्यक्रम राज्य के किस जिले में दूसरा स्थान प्राप्त किया? तो जैसलमेर जिले ने। तो ये था पिछले 6 महीने का करंट अफेयर, मैंने पिछले 6 महीने का करंट अफेयर पढ़ा दिया है। इस क्लास को 2x में करना, कैसे भी करना, एक बार देखना, दो बार देखना, सारे आपको याद हो जाएंगे। ये PDF मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको ये क्लास 6 महीने की ज्यादा फास्ट लगी तो हर महीने की क्लास भी मैंने अच्छे से दे रखी है, आप वो क्लासें भी देख सकते हो, वो भी करंट अफेयर के सेक्शन में मिल जाएगी आपको। ठीक है, इसके अलावा फरवरी के करंट अफेयर की क्लास जल्द लेऊंगा मैं, एग्जाम से पहले लेऊंगा, आपके हाईकोर्ट के एग्जाम से पहले। इसके अलावा राजस्थान के जितने भी टॉपिक है, करंट के जितने भी टॉपिक है, कंजर्वेशन रिजर्व हो गया, छोटी छोटी क्लासों में पॉलिटी, हर चीज मैंने प्रोवाइड करवा रखी है, आप प्ले लिस्ट सेक्शन में जाके देख लेना प्लीज, मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। और मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी क्लास रिकॉर्ड की है, तो आप मुझे भी थोड़ा बहुत सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और घंटी वाला बटन दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, हमें मोटिवेशन मिल जाएगा। मिलते हैं फिर किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।